हे गाइस, वेलकम टू ऑल बोर्ड। सो ये आपका एक लॉन्ग सेशन है आज, जिसपे हम टोटल 200 कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि आपका आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क मेंस स्पेशल है। आपको पता है कि आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क में 20 मार्क्स का कंप्यूटर आता है, यानी कि 40 क्वेश्चन होते हैं। ईच क्वेश्चन कैरीज 0.5 मार्क्स, ठीक है। साथ जितने भी क्वेश्चन, मतलब हर क्वेश्चन 0.5 मार्क का होगा यहाँ पे, ठीक है। साथ ही साथ कंप्यूटर्स जो है वो आपके आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क में भी आता है, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो द सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ लॉन्ग सेशन जिसमें आपको एमसीक्यूज मिलेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड। जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है हम यहाँ पे सारे कवर अप कराएंगे आपको, ठीक है, जो भी एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। प्लस कंप्यूटर में सबसे अच्छी चीज क्या है कि एवरीथिंग इज स्टैटिक, कुछ भी नथिंग इज रिलेटेड टू करंट अफेयर्स पार्ट, कुछ भी डायनेमिक नहीं है। सो एवरीथिंग इज स्टैटिक। सो दीज 200 क्वेश्चंस आर सो सो इंपॉर्टेंट फॉर यू। उससे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, देन डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दिस बेल आइकन। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंप्यूटर्स दैट आर नोन एज नंबर क्रंचर्स। इनमें से किस टाइप के कंप्यूटर्स को नंबर क्रंचर्स बोला जाता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स को नंबर क्रंचर्स बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी बिट्स इक्वल 1 बाइट। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 1 बाइट इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स? सो इट इज इक्वल टू 8 बिट्स, ऑप्शन 3। सो 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स। नेक्स्ट देखो, यूएसबी एक कॉमन इंटरफेस है जो कि कम्युनिकेशन को इनेबल करता है डिवाइसेस और होस्ट कंट्रोलर के बीच में, ठीक है। जैसे कि आपका एग्जांपल हो गया पर्सनल कंप्यूटर, तो आपको बताना है कि एस क्या होता है यूएसबी में, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीटेडली एग्जाम में पूछा जाता है। सो यूएसबी का पूरा फुल फॉर्म बताओ कि क्या होता है। सो एस मीन्स सीरियल, ठीक है। इसका पूरा फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। अगला देखते हैं, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ एमएस डॉस कमांड फाइल। एमएस डॉस कमांड फाइल का एक्सटेंशन बताओ। ये जो एक्सटेंशन होते हैं, फाइल एक्सटेंशन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज .com, ठीक है। एमएस डॉस कमांड फाइल का जो एक्सटेंशन है दैट इज .com। अगला देखो, वॉर्म इज द डेटा स्टोरेज टेक्नोलॉजी दैट प्रिवेंट्स द ड्राइव फ्रॉम इरेजिंग द डेटा। वॉर्म क्या है? ये एक डेटा स्टोरेज टेक्नोलॉजी है जो कि ड्राइव को, जो ड्राइव होती है उसको प्रिवेंट करती है ताकि डेटा इरेज ना हो पाए। तो आपको बताना है इसका फुल फॉर्म क्या है। ये भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ वॉर्म। सो दैट इज राइट वंस रीड मैनी, ठीक है, ऑप्शन 5। वॉर्म का फुल फॉर्म है राइट वंस रीड मैनी। अगला देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस वुड बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर परफॉर्मिंग न्यूमेरिकल एंड स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन। न्यूमेरिकल और स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है, ठीक है। यू नो दीज ऑल आर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। सो दैट इज स्प्रेडशीट, ऑप्शन 2, स्प्रेडशीट, ठीक है। एमएस एक्सेल में आपको मिलती है स्प्रेडशीट, सो वही है ये। अगला देखो, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है, कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है, कौन सी है, कौन सी नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, प्लॉटर। प्लॉटर जो है, दिस इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज वर यूज बाई द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। अगेन द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती थी, कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज होती थी। सो थर्ड जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज होती है, ये बताना है आपको। तो दैट इज ऑप्शन 2, ICs, विच इज इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो इसका वो भी याद रखिएगा शॉर्ट फॉर्म, विच इज कॉल्ड ICs, ठीक है। तो आपसे ये भी आ सकता है नॉर्मली, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट हायरार्की। इनमें से बतानी है कि करेक्ट हायरार्की कौन सी है, ठीक है। बीइंग गिवन दीज, कि आपको बताना है कि पहले कौन सा आता है, दूसरा कौन सा आता है, सबसे बड़ा कौन सा होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में। सो पहले आता है बाइट, देन केबी विच इज किलो बाइट, एमबी मेगा बाइट, जीबी गीगा बाइट, टीबी टेरा बाइट, पीबी होता है आपका पेटा बाइट, एक्सबी होता है एक्साबाइट, जेड भी होता है जीटा बाइट और वाई भी होता है योटा बाइट, ठीक है। तो ये करेक्ट हायरार्की है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग लैंग्वेज कैन बी रेड लाइक रेगुलर इंग्लिश। ये भी बहुत पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी लैंग्वेज है जिसको हम रेगुलर इंग्लिश की तरह पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, कोबोल। याद रखना, कोबोल वैसी लैंग्वेज है जिसको हम रेगुलर इंग्लिश की तरह पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखो, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मशीन लैंग्वेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। ये स्टेटमेंट दिए हुए मशीन लैंग्वेज को लेके, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2,
इट कैन नॉट बी डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर एंड नीड अ ट्रांसलेटर प्रोग्राम. ये जो लैंग्वेज है ये कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर पाता और इसको एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम की जरूरत होती है, विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग. ठीक है, बाकी करेक्ट स्टेटमेंट भी देख लो. इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ मशीन कोड. इसको मशीन कोड भी बोला जाता है. डीबगिंग इज एन इश्यू अटैच टू इट. डीबगिंग एक इश्यू है जो कि इससे अटैच होता है. इट कंसिस्ट ऑफ ओनली बाइनरी डिजिट्स और बिट्स. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इसमें सिर्फ बाइनरी डिजिट्स और बिट्स होती हैं. ठीक है, अगला देखते हैं. Whenever the text in a document moves to a new page, it is known as. आपने MS Doc देखा होगा, जो Word होता है, MS Word, उसमें जो document खुला होता है, तो जब आप दूसरे पेज पे मूव करते हैं, आपका वो पेज खत्म हो जाता है और जो टेक्स्ट ऑटोमेटिकली दूसरे पेज पे मूव कर जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोला जाता है पेज ब्रेक. ठीक है, ऑप्शन टू पेज ब्रेक. अगला देखो. Who among the following is known as the father of internet? Father of internet किसे बोला जाता है? इनमें से कौन है? Who is the father of internet? So he is Windsurf. Option 5, Windsurf. अगला देखते हैं. In which of the following topology each device is connected to every other device on a network through a dedicated point-to-point link? इनमें से कौन सी टॉपोलॉजी है जिसमें हर डिवाइस हर दूसरी डिवाइस से कनेक्ट होती है एक नेटवर्क में थ्रू अ डेडिकेटेड पॉइंट-टू-पॉइंट लिंक, एक डेडिकेटेड पॉइंट-टू-पॉइंट लिंक के थ्रू? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, मेश टॉपोलॉजी. ठीक है, ऑप्शन 2 मैच टॉपोलॉजी. और ये जितनी भी टॉपोलॉजीज हैं, स्टार, हाइब्रिड, बस, रिंग, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. और यहाँ से आप मान के चलिए आपको क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा. सी, ये है मैच टॉपोलॉजी. ठीक है, तो एज यू कैन सी कि हर डिवाइस दूसरी डिवाइस से पॉइंट टू पॉइंट, उसके पॉइंट टू पॉइंट लिंक से कनेक्टेड है. ठीक है, आप देख सकते हैं सब डिवाइस एक दूसरे से कनेक्टेड है. सो दिस इज मैच टॉपोलॉजी. अगला देखो. विच ऑफ द फॉलोइंग एंटर्स कंप्यूटर थ्रू एन ईमेल और फ्री प्रोग्राम दैट हैव बीन डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट एंड कॉज प्लेंटी ऑफ डैमेज. इनमें से कौन सी चीज है जो कि कंप्यूटर में एंटर कर जाती है किसी ईमेल या फ्री प्रोग्राम के थ्रू, जो कि डाउनलोड हो जाता है किससे? विच हैव बीन डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट, और फिर वो कंप्यूटर को काफी डैमेज भी पहुंचाता है. तो वो चीज क्या है? सो दैट इज ट्रोजन हॉर्स. ठीक है, ऑप्शन 2 ट्रोजन हॉर्स. अगला देखते हैं. What is the new default document in MS Word? MS Word जो होता है, अभी Word file जो होती है, तो उसमें एक नया default document क्या बन के आता है? मतलब default name क्या होता है document का? आप save कर, जब save as करोगे, तब आप अपना नाम डाल सकते हो. मतलब जो भी, जिस नाम से भी आपको वो document save करना है. Default में वो क्या आता है? So default में उसका नाम आता है document 1. Option 5. आप MS Word खोलना और देखना, आपको खुद पता चल जाएगा. ठीक है, Option 5, document 1. अगला देखो. इन विंडोज कंप्यूटर द डिलीटेड फाइल्स आर ट्रांसफर टू. वेरी इजी क्वेश्चन. विंडोज कंप्यूटर में जो डिलीटेड फाइल्स होती हैं, वो कहाँ पे ट्रांसफर होती हैं? ठीक है, आपको पता है कि पहले जो डिलीटेड फाइल्स होती हैं, वो एक जगह ट्रांसफर होती हैं, वहां से डिलीट करने के बाद वो परमानेंटली कंप्यूटर से डिलीट होती हैं. तो आई हैव गिवन यू द हिंट एज वेल. सो दैट इज रिसाइकल बिन, ऑप्शन 4. ठीक है, तो रिसाइकल बिन से जब हम डिलीट करते हैं वहां पे जाके, तब वो परमानेंटली कंप्यूटर से डिलीट हो जाती हैं. नेक्स्ट देखते हैं. सी, बेसिक, कोबोल एंड जावा आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ विच टाइप ऑफ लैंग्वेजेस. ठीक है, ये जो चार लैंग्वेजेस हैं, ये किस टाइप के लैंग्वेजेस हैं? ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, हाई लेवल लैंग्वेज. ठीक है, सो दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज. और कोबोल मैंने अभी क्या बताया था, एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि हम इसको एक रेगुलर इंग्लिश की तरह पढ़ सकते हैं. वी कैन रीड इट एज रेगुलर इंग्लिश. The errors that can be pointed out by the compiler are called. आपने दो टर्म पढ़े होंगे, compiler और interpreter. ठीक है, तो compiler जो error point out करता है, उन errors को हम क्या बोलते हैं? So it is called syntax error. ठीक है, उनको syntax errors बोला जाता है. Option 4. Next देखो. The first computer mouse was developed by. आपको बताना है पहला computer mouse किसने बनाया था? Who built the first computer mouse? So he was Douglas Engelbart. ठीक है, डुगलस एंगलबार्ट जो थे, इन्होंने पहला कंप्यूटर माउस बनाया था. एक बार फिर से एक रिवीजन करते हैं कि विंडसर्फ कौन बोले जाते हैं. ही इज नेम्ड एज द फादर ऑफ इंटरनेट. इनको फादर ऑफ इंटरनेट बोला जाता है. ठीक है, अगला देखो. विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कन्वर्ट्स ड्रॉइंग, प्रिंटेड टेक्स्ट और अदर इमेजेस इनटू डिजिटल फॉर्म. इनमें से कौन सी डिवाइस है जो कि ड्रॉइंग, प्रिंटेड टेक्स्ट या फिर बाकी इमेजेस को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करती है? ठीक है, सो द डिवाइस इज कॉल्ड स्कैनर. ठीक है, ऑप्शन 2 स्कैनर. आप देखते हैं ना कि मैं स्कैन करके आई विल सेंड यू दिस पिक्चर,
आपने बहुत बार स्कैन कराया होगा, सो दैट इज अ स्कैनर। कंप्यूटर में इतना समझ लो कि जो 50% चीजें है ना वो आपको बेसिक है, मतलब बेसिक इन अ सेंस कि जो आप नॉर्मल अपना एक लैपटॉप या कंप्यूटर कुछ भी आप यूज करते हो तो बस थोड़ा सा आपको अवेयर होना पड़ता है। तो जो अवेयर होकर यूज करता है वो इन क्वेश्चन के आंसर दे सकता है इजिली, उसे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। बट जो अनअवेयर है तो आपको समझ में आ जाएगा, ओके यू हर्ड दिस टर्म, आपने ये चीजें यूज की हुई है। ओके नेक्स्ट देखो, विच ऑफ दीज कंपनीज ओन द सर्च इंजन बिंग। एक बिंग करके सर्च इंजन है, तो इनमें से आपको बताने कौन सी कंपनी है जो इसको ओन करती है। बिंग, सो दैट इज माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन टू माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट देखो, विच मेन्यू ऑप्शन इज यूज टू एड हेडर एंड फुटर इन अ डॉक्यूमेंट। जो एमएस वर्ड जो डॉक्यूमेंट होता है तो उसमें कौन सा इनमें से मेन्यू ऑप्शन होता है जो कि हेडर और फुटर को एड करता है, ठीक है। सो दैट इज इंसर्ट, ऑप्शन फोर इंसर्ट सी। आप जब डॉक्यूमेंट खोलोगे, अभी मैंने देखो आपको क्या बताया था कि जो डिफॉल्ट होता है वो डॉक्यूमेंट वन करके सेव होता है, ठीक है। इंसर्ट पे हम गए, दिस इज कॉल्ड मेन्यू, ठीक है। ये जो चीज होती है ये मेन्यू में आती है, हेल्प व्यू रिव्यू मेलिंग्स, ठीक है। तो इसमें देखो इंसर्ट में जब हम गए तो यहाँ पे ये आपको सारे ऑप्शन मिल रहे हैं जिसमें आपको हेडर और फुटर भी मिल रहा है, ठीक है। What do we call the pictorial representation that uses predefined symbols to describe either the logic of a computer program or the data flow and processing steps of a system? इनमें से किस चीज को बोला जाता है? ये एक pictorial representation है जो कि use करता है predefined symbol को, जो कि क्या describe करता है? It describe either the logic of a computer program, या तो वो logic define करता है किसी computer program का, या फिर data flow को define करता है, and processing steps of a system, जो स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस करके बताता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को। जिन्होंने कंप्यूटर्स पढ़ी हुई है उनको पता होगा, उन्होंने बनाया भी होगा ये चीज। सो दैट इज कॉल्ड फ्लो चार्ट, ठीक है, ऑप्शन वन। जब आप फ्लो चार्ट देखोगे तो उसमें बहुत सारे आपको सिंबल्स भी आते हैं, ठीक है। दीज आर प्री डिफाइंड सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट, सो ऑप्शन वन। नेक्स्ट देखो, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड इन कंप्यूटर टू एड एक्सटर्नल कंपोनेंट्स। इनमें से कौन सी चीज है, कौन सी डिवाइस है जो कि कंप्यूटर में हम यूज करते हैं एक्सटर्नल कंपोनेंट्स को ऐड करने के लिए, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड ऑप्शन थ्री पोर्ट्स या फिर सिस्टम बोर्ड्स। तो उसको बोलते हैं पोर्ट्स और सिस्टम बोर्ड्स। अगला नेक्स्ट देखो, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ वायरसेस टू द हार्ड डिस्क ऑफ योर कंप्यूटर। इनमें से कौन सा मोस्ट कॉमन सोर्स है वायरसेस का टू द हार्ड डिस्क ऑफ योर कंप्यूटर, जो आपकी हार्ड डिस्क में वायरस आ जाता है, जो कंप्यूटर में होती है आपकी हार्ड डिस्क। तो मोस्ट कॉमन सोर्स कौन सा है वायरस का? सो दैट इज इनकमिंग ईमेल, ऑप्शन वन इनकमिंग ईमेल। जो ईमेल आ रहे हैं हमारे पास, दोज ईमेल्स आर द मोस्ट कॉमन सोर्स। नेक्स्ट देखो, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज फॉर रिमूविंग अ सॉफ्टवेयर बग और डिफेक्ट विच इज अवेलेबल फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर, ठीक है। इनमें से किस चीज को हम यूज करते हैं सॉफ्टवेयर बग या डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए, जो कि अवेलेबल होता है फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर के पास, ठीक है, फ्रॉम द सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर से फ्री ऑफ कॉस्ट जो अवेलेबल होता है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड पैच, ऑप्शन फोर पैच। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग की इज नॉट फाउंड इन नॉर्मल कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स, ठीक है। अगेन, अगर आप लोगों ने ढंग से अपना कीबोर्ड देखा होगा कंप्यूटर या लैपटॉप का, तो आप बता सकते हो कि इनमें से कौन सी की है जो हम नॉर्मल कंप्यूटर या लैपटॉप में नहीं देखते। सो वेरी इजी, ऑप्शन वन टर्न, यू हैव नॉट फाउंड दिस टी टर्न। बाकी आपको पता ही है, ऑल डिलीट शिफ्ट सीटीआरएल कंट्रोल, ये सब कीज आपको कंप्यूटर और नॉर्मल कंप्यूटर और लैपटॉप में देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सच एज सी कोबोल फोरट्रेन वर यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर। कौन सी जनरेशन कंप्यूटर्स में ये लैंग्वेजेस यूज होती थी? सी कोबोल फोरट्रेन, बताओ कौन सी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में होती थी? सो दैट इज थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स, ऑप्शन थ्री, ठीक है। और अभी ये भी पढ़ा था कि थर्ड जनरेशन में कौन सा टेक्नोलॉजी यूज होती थी, तो दैट इज आईसीज, विच इज इंटीग्रेटेड सर्किट्स। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इज एसोसिएटेड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इनमें से कौन सी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से एसोसिएटेड है? ईजी है बहुत ज्यादा, आपको पता है AI इज लेटेस्ट। सो येस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फाइव, फिफ्थ जनरेशन, जिसपे अभी भी काम चल रहा है AI पे, ठीक है। सो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से ये एसोसिएटेड है। नेक्स्ट देखो, अ फाइल विच हैज नॉट बीन ऑल्टर्ड कंप्रेस्ड और मैन्युपुलेटेड इन एनी वे बाय द कंप्यूटर इज कॉल्ड।
इस फाइल को क्या बोला जाता है जो कि ना तो अल्टर की गई है ना ही कंप्रेस की है, या फिर किसी भी तरीके से जिस फाइल को मैनिपुलेट ही नहीं करा गया है उस फाइल को हम क्या बोलते हैं? सो दैट इज कॉल्ड रॉ फाइल, ऑप्शन टू रॉ फाइल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इन अ कंप्यूटर फाइल सिस्टम विच अमंग द फॉलोइंग इज टॉप और फर्स्ट इन हायरार्की। कंप्यूटर फाइल सिस्टम में इनमें से कौन सी चीज टॉप पे होती है या फिर पहली है हायरार्की में? ठीक है, सो दैट इज रूट डायरेक्टरी, ऑप्शन वन रूट डायरेक्टरी। नेक्स्ट देखो, व्हेन समवन अनआइडेंटिफाइड और अननोन पर्सन और फर्म सेंड्स यू ईमेल इन अ ट्रस्टवर्दी और ल्यूक्रेटिव वे आस्किंग फॉर सेंसिटिव बैंक्स एंड ऑनलाइन पेमेंट इन्फॉर्मेशन, दिस इज द केस ऑफ व्हाट? ठीक है, अगर कोई अनआइडेंटिफाइड या फिर अननोन पर्सन या फिर कोई भी फर्म आपको एक मेल भेजती है एक ट्रस्टवर्दी वे में, जो इसमें वो सेंसिटिव मतलब बैंक्स की या फिर ऑनलाइन पेमेंट की इंफॉर्मेशन मांगते हैं, ठीक है, यू हैव सीन कि बहुत सारे इस तरीके से क्राइम वगैरह होते हैं जिसमें आपके बैंक अकाउंट्स की या ऑनलाइन पेमेंट की इंफॉर्मेशन मांग ली जाती है, ठीक है, तो उस केस को हम क्या बोलते हैं? तो उसको इसको हम बोलते हैं फिशिंग। ठीक है, ऑप्शन थ्री दिस इज कॉल्ड फिशिंग। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट देखो, अ नेटवर्क दैट इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट बट यूजेस इंक्रिप्शन टू स्क्रैम्बल ऑल द डेटा सेंड थ्रू द इंटरनेट इज कॉल्ड। इस नेटवर्क को क्या बोलते हैं जो कि इंटरनेट से कनेक्ट होता है पर वो क्या यूज करता है? बट यूजेस इंक्रिप्शन, वो इंक्रिप्शन यूज करता है स्क्रैम्बल करने के लिए जो भी डेटा सेंड होता है थ्रू द इंटरनेट, जो भी डेटा हम सेंड कर रहे हैं इंटरनेट के थ्रू उसको स्क्रैम्बल करता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सो इट इज कॉल्ड वीपीएन, मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है, व्हाट इज वीपीएन। ठीक है, सो इट इज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नेक्स्ट देखो, द टर्म्स गुड पुट, थ्रूपुट एंड मैक्सिमम थ्रूपुट आर मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इन कंप्यूटर्स। ठीक है, आपको बताना है कि ये तीन टर्म्स दिए हुए हैं, गुड पुट, थ्रूपुट एंड मैक्सिमम थ्रूपुट, ये किस चीज से एसोसिएटेड है इनमें? सो दे आर एसोसिएटेड विद बिट रेट, ऑप्शन वन बिट रेट। नेक्स्ट देखो, विच इज अ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज बाय सम इनकमिंग मेल सर्वर्स। इनमें से कौन सी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो कि कुछ इनकमिंग मेल सर्वर्स यूज करते हैं? सो दैट इज पीओपी, पॉइंट टू पॉइंट, ऑप्शन टू। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट इसको हम बोलते हैं। तो ये ऐसे भी आ सकता है एब्रीविएशन फॉर्मेट में, ठीक है, जैसे इसमें दिया हुआ है, तो आपको इनके फुल फॉर्म पता होने चाहिए। नेक्स्ट देखो, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम अ कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट टू योर कंप्यूटर इज कॉल्ड, वेरी इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, दो तीन बार पढ़ो, समझ में आ जाएगा। उस प्रोसेस को क्या करते हैं जिसमें हम फाइल को ट्रांसफर करते हैं कंप्यूटर से इंटरनेट पे, ऑन द इंटरनेट टू योर कंप्यूटर? ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं डाउनलोडिंग, ऑप्शन वन। तो हम क्या करते हैं इसमें कि हम इंटरनेट से, अपने कंप्यूटर से इंटरनेट से फाइल को डाउनलोड करते हैं और अपने कंप्यूटर में उसको सेव करते हैं, राइट? तो यही इस सेंटेंस में बोला जा रहा है, सो ऑप्शन वन डाउनलोडिंग। नेक्स्ट देखो, विच इज एन एरिया ऑफ अ कंप्यूटर दैट टेम्परेली होल्ड्स डेटा वेटिंग टू बी प्रोसेस स्टोर्ड और आउटपुट। उस एरिया को हम क्या बोलते हैं कंप्यूटर में जो कि टेम्पररी होल्ड करता है डेटा को, विच इज नीड टू बी प्रोसेस स्टोर और आउटपुट। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं उस एरिया को कंप्यूटर के? सो दैट इज कॉल्ड मेमोरी, ऑप्शन फोर मेमोरी। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज सेड टू बी अ कलेक्शन ऑफ डेटा दैट इज ऑर्गेनाइज्ड सो दैट इट्स कंटेंट्स कैन इजीली बी एक्सेस्ड मैनेज्ड एंड अपडेटेड। उस कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं डेटा के जिसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि उसके जो कंटेंट है उनको हम इजीली मैनेज और अपडेट कर पाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सो दैट इज कॉल्ड डेटाबेस, ऑप्शन थ्री। तो यहाँ से क्या होता है, हम कंटेंट को इजीली मैनेज और अपडेट कर सकते हैं, इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाट कंट्रोल्स द वे इन विच द कंप्यूटर सिस्टम फंक्शंस। इनमें से क्या चीज कंट्रोल करती है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम जो है वो आपका फंक्शन करता है एंड प्रोवाइड सम मीन्स बाय विच यूजर्स कैन इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर, और एक मीन प्रोवाइड करता है जिससे यूजर्स जो है वो इंटरेक्ट कर सके कंप्यूटर के साथ। ठीक है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? यू हर्ड दिस टर्म अ लॉट, दिस इज कॉल्ड ओएस, मीन्स ऑप्शन फोर द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द बेसिक यूनिट ऑफ अ वर्कशीट इन टू विच यू एंटर डेटा इन एक्सेल इज कॉल्ड। ठीक है, ये एम एस एक्सेल से रिलेटेड है कि बेसिक यूनिट क्या होती है वर्कशीट की जिसमें आप डेटा को एंटर करते हो, इन टू विच यू एंटर डेटा, सो विच इज कॉल्ड सेल। ठीक है, ऑप्शन टू।
तो आपने देखा होगा कि वर्कशीट जो है उसमें बहुत सारे आपको सेल मिलेंगे, ठीक है। जब आप एक्सेल खोलोगे तो यू विल फाइंड सो मेनी सेल्स, ठीक है। ये प्रोफेशनली डिजाइन एम टी डॉक्यूमेंट है दैट कैन बी अडेप्टेड टू द यूजर्स नीड, ठीक है। एक ये एम टी, एक ये खाली डॉक्यूमेंट है जो कि यूजर की नीड के हिसाब से अडेप्ट हो सकता है। मतलब आप अपने हिसाब से उसमें कुछ भी चाहे वो कर सकते हो उस डॉक्यूमेंट में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सो दैट इज कॉल्ड ऑप्शन थ्री अ टेम्पलेट, उसको हम बोलते हैं टेम्पलेट। तो इसमें क्या होता है, ये खाली टेम्पलेट होता है, मतलब आपको एक टेम्पलेट मिलता है जिसमें आप अपनी नीड के हिसाब से चीजों को डाल सकते हैं, ठीक है। तो वो आपके हिसाब से अडेप्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखो, अनऑथराइज कॉपिंग ऑफ सॉफ्टवेयर टू बी यूज फॉर पर्सनल गेन इंस्टीड ऑफ फॉर पर्सनल बैकअप इज कॉल्ड, ठीक है। अनऑथराइज कॉपिंग जो है सॉफ्टवेयर की, जिसको हम पर्सनल गेन के लिए यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ पर्सनल बैकअप, पर्सनल बैकअप की जगह हम पर्सनल गेन के लिए यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। ये भी टर्म आपने बहुत ज्यादा पढ़ा होगा इससे रिलेटेड, विच इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर पायरेसी, ठीक है। ऑप्शन थ्री सॉफ्टवेयर पायरेसी। When you are working on a document on personal computer, where is the document temporarily stored? ठीक है, जब आप वर्क करते हो किसी डॉक्यूमेंट पे पर्सनल कंप्यूटर में, तो वो डॉक्यूमेंट आपका टेम्परली पीरियड ऑफ टाइम के लिए कहाँ पे स्टोर हो जाता है? सो दैट इज स्टोर्ड ऑन रैम, ठीक है, विच इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। यू नो देर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, रैम एंड रोम। सो इट इज रीड ओनली मेमोरी एंड इट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन आएंगे तब आपको उसके बारे में और समझ में आ जाएगा, बिकॉज दीज बोथ द टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो ऑप्शन वन रैम। नेक्स्ट देखो, वॉट इज कॉल्ड अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड इज द वेरी फर्स्ट पेज दैट वी सी ऑन ओपनिंग ऑफ अ वेबसाइट। तो क्या बोलते हैं, पहले आप ये बताइए कि वेब पेजेस के कलेक्शन को क्या बोला जाता है, ठीक है। सो द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज कॉल्ड वेबसाइट, ठीक है। ऑप्शन टू, वेब पेजेस के कलेक्शन को हम बोलते हैं वेबसाइट। और पहला, सबसे पहला पेज जो वेबसाइट में आपको अपियर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सो दैट इज कॉल्ड होम पेज, ठीक है। तो जब भी आप कोई, जैसे सपोज आप ऑलिव बोर्ड पे जाओगे तो आप ऑलिव बोर्ड खोलोगे, सो वो हमारे कलेक्शन होगा वेब पेजेस का, जिसको हम बोलेंगे ऑलिव बोर्ड की वेबसाइट, ठीक है। और जो ऑलिव बोर्ड का जब वेबसाइट खोल के पहला पेज दिखेगा दैट विल बी योर होम पेज, ठीक है, वो होम पेज होगा ऑलिव बोर्ड का, ठीक। नेक्स्ट देखो, इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स दे यूज विच ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करा जाता था? तीन चीज आपको देखनी है कि जनरेशन में एक तो टेक्नोलॉजी कौन सी यूज होती थी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड देन द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फर्स्ट जनरेशन में मेनली बैच प्रोसेसिंग यूज करा जाता था, ठीक है। ऑप्शन वन बैच प्रोसेसिंग। नेक्स्ट देखो, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का? सो द करेक्ट आंसर इज मीडिया प्लेयर्स, ठीक है। दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। बाकी बैकअप सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और डिस्क टूल्स, ये तीनों एग्जाम्पल हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के, ठीक है। अगला देखो, टू मूव डेटा फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट टू अनदर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड। डेटा को मूव करने के लिए एक पार्ट, डॉक्यूमेंट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में हम क्या चीज यूज करते हैं? सो वी यूज कट एंड पेस्ट। ऑप्शन फाइव, कट और पेस्ट को यूज करा जाता है डेटा को एक जगह से दूसरे पार्ट में मूव कराने के लिए। नेक्स्ट देखो, द स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज डिफाइंड इन, इस कंप्यूटर की जो स्पीड है उसको हम किससे डिफाइन करते हैं? तो स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज डिफाइंड इन क्लॉक स्पीड। ऑप्शन वन क्लॉक स्पीड। द वर्टिकल ब्लॉक्स इन अ टेबल इज नोन एज, जो टेबल होती है उसमें वर्टिकल ब्लॉक्स को क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं कॉलम। यू नो हाउ द टेबल इज, ठीक है, ये होती है आपकी टेबल इस तरीके से, ठीक है। सॉरी हो गया, ठीक है। सो दिस इज लाइक अ टेबल, तो ये होता है हॉरिजॉन्टल जिसको हम बोलते हैं रो, और ये होता है वर्टिकल जिसको हम बोलते हैं कॉलम, ठीक है। A GUID is a 128-bit number used by software programs to uniquely identify the location of a data object. GUID क्या है? ये एक 128-bit number है जो कि software program use करते हैं data object की location को identify करने के लिए। तो आपको बताना है इसका full form क्या है GUID का? See, 128-bit यानी कि 16 byte, and I told you कि एक byte में 8 bits होते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने अभी question करा था, ठीक है। So इसका full form होता है globally unique identifier, option 2, globally unique identifier. So next question is, which among the following is the chat program that lets users communicate in real time? इनमें से कौन सा chat program है जो user को real time में communicate करने देता है? So that is instant messaging, ठीक है। Option 4, instant messaging. देखते हैं,
सॉफ्टवेयर दैट डिसरप्ट्स द नॉर्मल फंक्शन ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज सॉफ्टवेयर जो कि डिसरप्ट करता है, खराब करता है कंप्यूटर के नॉर्मल फंक्शन को, उनको रोकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सो दैट इज कॉल्ड मालवेयर. ठीक है, ऑप्शन वन विच इज मालवेयर. ठीक है, नेक्स्ट देखो. इफ द कंप्यूटर इज नॉट एबल टू कनेक्ट विद अदर कंप्यूटर्स इट इज सेड टू बी. अगर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? वेरी इजी, इट विल बी सेड टू बी ऑफलाइन. ठीक है, ऑप्शन टू ऑफलाइन. अगला देखो, विच अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू रिमोट कंप्यूटिंग. इनमें से रिमोट कंप्यूटिंग से क्या चीज रिलेटेड है? ठीक है, रिमोट कंप्यूटिंग से क्या चीज इसमें एसोसिएटेड है? सो दैट इज टेलनेट. ऑप्शन वन, टेलनेट. अगला देखो, इफ यू वॉन्ट टू इंसर्ट अ चार्ट इन योर स्लाइड यू विल गो टू. अगर आपको चार्ट इंसर्ट करना है अपनी स्लाइड में, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होती है एमएस पावर पॉइंट, उसमें आपको चार्ट ऐड करना है स्लाइड में, तो आप कहाँ जाओगे? सो यू विल गो टू इंसर्ट. ठीक है, ऑप्शन थ्री, इंसर्ट. ठीक, देखो क्या करना, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और एमएस वर्ड, इनमें जो जो टैब्स होते हैं ना, एक होम, फाइल, इंसर्ट, वॉट एवर बी द टैब्स, उनमें देख लेना कि क्या क्या चीजें हैं, उनको एक बार अच्छे से जाके देख लेना, तो आपको वो इमेज भी दिमाग में याद रहेगी और इस तरीके के क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो. ठीक है, सो डू दिस थिंग. ठीक है, जितने भी एमएस ऑफिस की चीजें हैं उनको देख लेना एक बार. एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर दैट प्रोवाइड्स मल्टीमीडिया इंटरफेस टू अवेलेबल रिसोर्सेज इज नोन एज. एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो कि प्रोवाइड करता है मल्टीमीडिया इंटरफेस अवेलेबल रिसोर्सेज के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? सो इट इज टर्म टू एज WWW, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब. ऑप्शन फोर. ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज सेमी कंडक्टर मेमोरी इन अ कंप्यूटर. कंप्यूटर में सेमी कंडक्टर मेमोरी बोला जाता है इसको, कौन सी वो मेमोरी है? सो दैट इज रैम. ठीक है, ऑप्शन थ्री, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको सेमीकंडक्टर मेमोरी बोला जाता है कंप्यूटर में. ठीक है, अगला देखते हैं, द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर एग्जीक्यूटिंग द टास्क इज नोन एज. स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है जिसमें टास्क एग्जीक्यूट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सो इट इज नोन एज एल्गोरिथम. ठीक है, आपने सुना होगा एल्गो लिख दो इसकी प्रोग्राम की, तो वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है. ठीक है, एल्गोरिथम. नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ नेटवर्क इज हाईली रिलायबल ऑन फोन लाइन्स. फोन लाइन्स के लिए कौन सा नेटवर्क जो है जो हाईली रिलायबल है? सो यू नो दे आर वेरियस काइंड ऑफ नेटवर्क्स, राइट? सो दैट इज WAN, वाइड एरिया नेटवर्क. ऑप्शन थ्री. ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क. नेक्स्ट, वट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डेट कैन वर्क इन अ कंप्यूटर एट अ टाइम. एक टाइम में कंप्यूटर पे कितने नंबर ऑपरेटिंग सिस्टम कितने वर्क कर सकते हैं? मैक्सिमम नंबर बताओ ऑपरेटिंग सिस्टम का जो एक ही बार में वर्क कर सकता है, तो दैट इज वन. सो मीन्स ओनली वन ऑपरेटिंग सिस्टम कैन वर्क इन अ कंप्यूटर एट अ टाइम. ठीक है, नेक्स्ट देखो, इन अ कंप्यूटर द स्क्रीन बैकग्राउंड इज नोन एज वेरी इजी. कंप्यूटर में स्क्रीन बैकग्राउंड को हम क्या बोलते हैं? जो आपको बैकग्राउंड दिखते हैं ना, स्क्रीन बैकग्राउंड, उसे क्या बोलते हैं? सो दैट इज कॉल्ड डेस्कटॉप. ऑप्शन टू, डेस्कटॉप. नेक्स्ट देखो, विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर इज रेयर बिकॉज ऑफ द साइज एंड कॉस्ट ऑफ इट. इनमें से कौन सा कंप्यूटर है, कौन से टाइप का कंप्यूटर जो कि बहुत रेयर होता है उसके साइज और कॉस्ट की वजह से? ठीक है, सो दैट इज सुपर कंप्यूटर. ऑप्शन टू, सुपर कंप्यूटर जो होते हैं वो काफी महंगे भी आते हैं और उनका साइज भी बहुत बड़ा होता है, इसीलिए ये बहुत रेयर होते हैं. ठीक है, सो ऑप्शन टू. नेक्स्ट देखो, विच अमंग द फॉलोइंग इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की गई थी? ठीक है, सो दैट इज मशीन लैंग्वेज. ऑप्शन टू, मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज थी जो कि फर्स्ट जनरेशन में यूज की गई थी. आपको पता ही है कि हम लोगों ने मशीन लैंग्वेज के बारे में पढ़ा भी था अभी, कि कौन सा मतलब स्टेटमेंट है जो कि ट्रू नहीं है. तो दैट वॉज वन स्टेटमेंट कि मशीन लैंग्वेज जो होती है वो डिफिकल्ट होती है अंडरस्टैंड करने के लिए और एक हमें ट्रांसलेटर प्रोग्राम की जरूरत होती है, तो विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग. मशीन लैंग्वेज के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता. सो मशीन लैंग्वेज. नेक्स्ट देखो, स्मार्ट आर्ट इज द फीचर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग वर्जन्स ऑफ एमएस ऑफिस एप्लीकेशन सूट. एमएस ऑफिस एप्लीकेशन सूट में जो स्मार्ट आर्ट है वो कौन से वर्जन में है एमएस ऑफिस के? ठीक है, सो देयर सो मेनी वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस, यू नो दैट. सो दैट इज एमएस ऑफिस 2007. ठीक है, ऑप्शन टू. अगला देखो, कितने टाइप की सेमीकंडक्टर मेमोरीज होती है कंप्यूटर में? कैन हैव दैट इट यूजेस फॉर द पर्पस ऑफ स्टोरेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो कि स्टोर करती है इन्फॉर्मेशन को. तो कितने टाइप की सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है कंप्यूटर में? सो वी हैव टू टाइप्स. ठीक है, ऑप्शन वन. तो एक तो होती है आपकी वॉलेटाइल और एक होती है आपका नॉन वॉलेटाइल. तो अभी हम और पढ़ेंगे, ये मेमोरी वाले पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. सो वन इज वॉलेटाइल मेमोरी, अनदर वन इज नॉन वॉलेटाइल. अगला देखो,
इफ यू आर नॉट एबल टू डाउनलोड समथिंग फ्रॉम अ वेबसाइट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, इट इज नोन एज ट्रैफिक. जब बहुत ज्यादा होते हैं वेबसाइट पे, तो आपने आपको पता है कि कभी कभी साइट भी नहीं खुल पाती है. तो अगर ट्रैफिक की वजह से वेबसाइट पे आप कुछ डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं डिनायल ऑफ सर्विस अटैक. ठीक है, ऑप्शन वन. अगला देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ सिंगल लेयर ब्लू रे डिस्क. याद रखना, सिंगल लेयर ब्लू रे डिस्क. ठीक है, सिंगल लेयर के बारे में पूछा है कि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है. सो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है ऑप्शन फोर, 25 GB, 25 GB. नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी बेसिक लॉजिक गेट्स एग्जिस्ट. ठीक है, इंपॉर्टेंट, बेसिक लॉजिक गेट्स कितने होते हैं? टेल मी हाउ मेनी बेसिक लॉजिक गेट्स एग्जिस्ट. सो वी हैव टोटल 7 बेसिक लॉजिक गेट्स. ठीक है, और वो कौन कौन से हैं? लेट्स सी, एंड और नॉट, नैंड, नॉर, जोर एंड एक्स नॉर. ठीक है, जोर और जो एक्स नॉर होते हैं, इनको यूनिवर्सल गेट भी बोला जाता है. दे आर बीइंग कॉल्ड एज यूनिवर्सल गेट क्योंकि हम उनसे और गेट्स को डिराइव कर सकते हैं, इसीलिए. तो आपसे क्वेश्चन में ये भी आ जाए कि कितने यूनिवर्सल गेट्स होते हैं, सो यू शुड नो दे आर 2, विच आर जोर एंड एक्स नॉर. ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप बाई सी डेक. इनमें से सी डेक ने सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा डेवलप करा था? सो इट वॉज परम 8000. ठीक है, ये पहला सुपर कंप्यूटर था जो सी डेक ने डेवलप करा था, परम 8000. What is the other name for Android 10.0 developed by Google? Android 10.0 जो कि Google ने develop करा है, उसका दूसरा नाम आपको बताना है क्या है? So that is Android Q. Option 4, Android Q. अगला देखो, which among the following counting device was developed in China? इनमें से कौन सी counting device है जो कि China में develop हुई थी? And which had a rectangular wooden frame and beads on it? इसमें rectangular wooden frame है और उसमें beads है, तो वो calculation और ये सब करने के काम आती थी. तो आपको बतानी है वो कौन सी device थी. So it was abacus. ठीक है, abacus कुछ इस type का दिखता है. ठीक है, ये देख लो, ये wooden device है और you can see this is beads. तो इसको count करने के काम आती थी ये सब beads. ठीक है, so abacus. नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर्स. इनमें से कौन सा प्रिंटर है विच वर्क बाय मेल्टिंग द सॉलिड इंक दैट अप्लाइज द इमेजेस टू द पेपर. जो सॉलिड इंक को मेल्ट करके बनता है, दैट अप्लाइज द इमेजेस टू द पेपर, जो कि इमेजेस को अप्लाई करती है पेपर पे. ठीक है, तो वो कौन से टाइप का प्रिंटर है? सो दैट इज सॉलिड इंक प्रिंटर, ऑप्शन 3, एज द डेफिनेशन सजेस्ट. सो इट इज सॉलिड इंक प्रिंटर. नेक्स्ट देखो, फुल फॉर्म ऑफ BIOS. ठीक है, इसकी फुल फॉर्म बताओ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो इसकी फुल फॉर्म है इट्स इजी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन 1, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. नेक्स्ट देखो, कंट्रोल प्लस वाई इन एमएस एक्सेल एंड एमएस वर्ड इज यूज्ड फॉर. ठीक है, कंट्रोल प्लस वाई की को जब हम प्रेस करेंगे एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड दोनों में, तो वो किस चीज के लिए यूज होती है? सो इट इज यूज्ड फॉर रीडो, ऑप्शन 5, रीडो. ठीक है, इट इज अपोजिट ऑफ अंडू. ठीक है, तो अंडू के लिए हम क्या यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस जेड. तो वाई की जगह अंडू में हम यूज करते हैं जेड, याद रखना, और रीडो के लिए हम करते हैं कंट्रोल प्लस वाई. ठीक है, अगला देखो, इंकजेट प्रिंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग. इंकजेट प्रिंटर जो है वो इनमें से किस चीज का एग्जाम्पल है? सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ऑप्शन 2. ठीक है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब होता है कि इंक जब पेपर पे अप्लाई करते हैं, तो उस टाइम पे कोई भी जो रिबन होता है वो उसको टच नहीं करता. ठीक है, सो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर यू कैन से. ठीक है, कि कोई भी जो रिबन होगा वो टच नहीं करेगा जब हम इंक को पेपर पे अप्लाई करेंगे. ठीक, विच अमंग द फॉलोइंग स्टोर्स डेटा. इनमें से कौन सी चीज है जो डेटा को स्टोर करती है और फ्रीक्वेंटली यूज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मेन मेमोरी. फ्रीक्वेंटली यूज इन्फॉर्मेशन का जो डेटा होता है उसको मेन मेमोरी से स्टोर करती है. ठीक है, तो कौन सी चीज है वो? सो दैट इज कैश मेमोरी, ऑप्शन 4, कैश मेमोरी. ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में. अगला देखो, इन स्कूल लेबोरेटरी द नेटवर्क दैट इज यूज्ड इज. स्कूल लेबोरेटरी में कौन सा नेटवर्क हम यूज करते हैं? सो इट इज LAN. ठीक है, विच इज लोकल एरिया नेटवर्क. WAN होता है वाइड एरिया नेटवर्क एंड MAN होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. तो एक अगर हम कन्फाइन सर्किल में अगर नेटवर्क यूज करते हैं लाइक इन स्कूल लेबोरेटरी, तो वो हो गया LAN. ठीक है, अगला देखो,
If you want your computer to start at the stage in which it was turned off, you have to put it in. ठीक है, अगर आप चाह रहे हो कि जो आपका कंप्यूटर है वो एक ऐसी स्टेज पे स्टार्ट हो जब आपने उसको टर्न ऑफ करा था, तो आपको उसको किस मोड में पुट करना पड़ेगा. ठीक है, तो यू हैव सीन वन थिंग कि एक तो रीस्टार्ट आता है, एक शटडाउन आता है. ठीक है, तो रीस्टार्ट में क्या होता है कि कंप्यूटर आपका बंद होकर फिर से रीस्टार्ट होता है, शटडाउन में वो कंप्लीटली शटडाउन हो जाता है. मतलब जब आप उसको खोलोगे तो वो एकदम प्रॉपर उसमें खुलेगा, मतलब आपको जो भी पासवर्ड डाले हुए हैं या कुछ भी डाला हुआ है, मतलब जो भी आपकी फाइल होंगी सब बंद हो जाएंगी जो भी आप काम कर रहे होगे. पर अगर एक ऑप्शन आता है हाइबरनेट मोड, ठीक है, तो हाइबरनेट में क्या होता है कि जैसे सपोज करिए मैंने कोई अपनी फाइल खोली है, मैं किसी चीज पे काम कर रही हूँ और मैंने हाइबरनेट में डाल दिया, तो फिर जब मैं उसको ऑन करूंगी तो वो मुझे फाइल एज इट इज वही मिलेगी. ठीक है, सो ऑप्शन 3 हाइबरनेट मोड. अगला देखो, इन केस ऑफ कंप्यूटर विच टाइप ऑफ मेन्यू विल शो फर्दर सब चॉइसेस. ठीक है, तो कंप्यूटर के केस में कौन सा मेन्यू होता है जो फर्दर सब चॉइसेस बताता है. ठीक है, आपने देखा होगा कि एक तो पहले एक आपका टैब आएगा, जैसे फाइल आया, ठीक है, होम आया, तो आपको अब उसमें फर्दर सब चॉइसेस देखनी है, तो आपको कौन सा मेन्यू खोलना पड़ेगा. सो इट विल बी नोन एज पुल डाउन मेन्यू. ठीक है, ऑप्शन 2 पुल डाउन. नेक्स्ट देखो, विच इज द प्रोग्राम ऑन योर कंप्यूटर दैट अपीयर्स एज जेन्युइन एप्लीकेशन बट एक्चुअली कॉजेस डैमेज टू एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम. इनमें से कौन सा प्रोग्राम है कंप्यूटर में जो कि एक जेन्युइन एप्लीकेशन अपीयर होता है बट वो एक्चुअली डैमेज कर देता है, जो भी एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम होते हैं उनको डैमेज पहुंचाता है, तो वो कौन सा प्रोग्राम होता है. इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दिस इज जस्ट अ हिंट ताकि आप आंसर कर पाओ. सो दैट इज ट्रोजन हॉर्स. ठीक है, ट्रोजन हॉर्स के बारे में एक और क्वेश्चन मैंने डिस्कस करा था, राइट, जो कि कुछ इसी लैंग्वेज में था. सो ऑप्शन 1. नेक्स्ट देखो, इन अ डेटा बेस विच फीचर विल अलाउ टू सर्च फॉर एनी रिकॉर्ड कंटेंट इन इट. ठीक है, डेटा बेस में कौन सा फीचर अलाउ करेगा जिसके हम सर्च कर सकते हैं कोई भी रिकॉर्ड जो उसके अंदर है. ठीक है, विच इज कंटेंट इन इट, सो दैट इज क्वेरी. ऑप्शन 2 क्वेरी. ठीक है, अगला देखो, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज टू चेक वेदर द यूजर ऑफ अ वेबसाइट हैज एक्सेस द कंटेंट बट इट वर्क्स यूजुअली इनविजिबली. तो इनमें से कौन सी चीज है जो कि चेक करती है कि यूजर ने वेबसाइट के कंटेंट को एक्सेस कर लिया है या नहीं, बट इट वर्क्स इनविजिबली, मतलब वो पीछे, मतलब इनविजिबली वर्क करती है, विजिबल नहीं होती, वो इनविजिबल होके काम करती है. सो दैट इज वेब बीकॉन. ठीक है, ऑप्शन 4 वेब बीकॉन. अगला देखो, हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन OSI मॉडल. ठीक है, OSI मॉडल में कितनी लेयर्स होती हैं. ठीक है, सो दे आर टोटल 7 लेयर्स इन OSI मॉडल. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, OSI मॉडल में टोटल 7 लेयर्स होती हैं. लेयर्स के बारे में एक एक लाइन पढ़ लेना क्योंकि इससे क्वेश्चन उठ के आ जाता है और बहुत बेसिक आता है. ठीक है, सो दीज ऑल आर द 7 लेयर्स और इनकी जो पोजिशन होती है वो ऐसी होती है. ठीक है, बॉटम पे फिजिकल, देन डेटा लिंक, थर्ड लेयर नेटवर्क हो गई, फोर्थ ट्रांसपोर्ट हो गई, फिफ्थ सेशन हो गई, सिक्स प्रेजेंटेशन, एंड टॉप पे लास्ट होती है 7th आपकी एप्लीकेशन. ठीक है, सो ये टोटल 7 लेयर होती है OSI मॉडल में. ठीक, नेक्स्ट देखो, देयर आर 7 लेयर्स इन OSI मॉडल. उसी क्वेश्चन का फॉलो अप है ये बेसिकली कि टोटल 7 लेयर्स हैं OSI मॉडल में एज वी डिस्कस्ड. व्हाट इज S इन OSI? अब आपको फुल फॉर्म बताना है OSI का, तो S पूछा है इसमें बेसिकली, बट आप पूरा फुल फॉर्म बताओ कि क्या होता है OSI का. ठीक है, सो S इज सिस्टम्स. ठीक है, ऑप्शन 3 और इसका फुल फॉर्म देख लो, ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन. ठीक है, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ OSI. What are the programs which can replicate themselves? उन programs को बताना है जो खुद को replicate कर सकते हैं and at the same time slow down the hard drive by consuming space in it. और साथ में क्या कर सकते हैं कि hard drive को slow down कर सकते हैं वहाँ पे space consume करके. ठीक है, so उनको हम बोलते हैं computer worms. ठीक है, option 1 computer worms. नेक्स्ट देखो, नेम द डिवाइस विच इज यूज फॉर डायरेक्टिंग एंड डिस्पैचिंग डेटा पैकेट्स बिटवीन वेरियस नेटवर्क्स. उस डिवाइस को क्या बोलते हैं जो कि डायरेक्ट करती है और डिस्पैच करती है डेटा पैकेट्स को बिटवीन वेरियस नेटवर्क्स, नेटवर्क्स के, वेरियस नेटवर्क्स के बीच में. ठीक है, सो द डिवाइस इज कॉल्ड रूटर. ऑप्शन 3 रूटर. तो बेसिकली ये बोल सकते हैं रूट, डायरेक्ट करना. ठीक है, तो एक रूट से हम डायरेक्शन ले रहे हैं, ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हो. सो ऑप्शन 3 रूटर. अगला देखो, What is called as a management system of text in which references are given to various texts by creating associations between them?
तो उस मैनेजमेंट सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, टेक्स्ट के जिसमें रेफरेंसेस दिए जाते हैं, आर गिवन टू वेरियस वेरियस टेक्स्ट, बहुत सारे टेक्स्ट को रेफरेंसेस दिए जाते हैं, कैसे, बाय क्रिएटिंग एसोसिएशंस बिटवीन देम, उनके बीच में एक एसोसिएशन क्रिएट करके, ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट, ऑप्शन टू हाइपर टेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, ब्लू लाइन अंडर अ टेक्स्ट इन एमएस वर्ड मींस, ठीक है, आप लोगों ने एमएस वर्ड जिसने भी यूज करा है यहाँ पे, तो आपको पता है कि जब ब्लू लाइन एमएस वर्ड के में कोई एक ब्लू लाइन जब बनती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सो दैट ब्लू लाइन डिनोट्स ग्रामर मिस्टेक, ठीक है, ऑप्शन वन, मतलब कोई ग्रामर मिस्टेक है उस टेक्स्ट में, तभी वहां पे ये ब्लू लाइन आई है, ठीक है, सो ऑप्शन वन। नेक्स्ट देखो, नेम द सॉफ्टवेयर दैट इज रिक्वायर्ड टू रन एनी हार्डवेयर कॉम्पोनेंट इन अ कंप्यूटर सिस्टम, उस सॉफ्टवेयर को बताओ जो कि रिक्वायर होता है कोई भी हार्डवेयर कॉम्पोनेंट को रन करने में, ठीक है, अगर हमें कोई हार्डवेयर कॉम्पोनेंट को रन कराना है कंप्यूटर सिस्टम में तो हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, सो दैट इज कॉल्ड डिवाइस ड्राइवर, ठीक है, ऑप्शन टू डिवाइस ड्राइवर। अगला देखो, विच इज नॉट अ फिफ्थ जनरेशन हाई लेवल लैंग्वेज, आपको बताना है इनमें से कौन सी फिफ्थ जनरेशन हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, सो दैट इज फोरट्रेन, ऑप्शन वन। हाई लेवल लैंग्वेजेस पे भी वी हैव डिस्कस्ड, वी नो दैट सी, कोबोल, जावा, ये सब हाई लेवल हो गए, लाइक सी प्लस प्लस, डॉट नेट, ठीक है, सो फोरट्रेन इज नॉट अ फिफ्थ जनरेशन हाई लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स इन अ टेबल दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई एनी डेटा बेस रिकॉर्ड विदाउट रेफरिंग टू एनी अदर डेटा, बिना किसी डेटा को रेफर करके डेटा बेस रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर ले किसी कॉलम या किसी सेट ऑफ कॉलम्स में, किसी टेबल में, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सो दैट इज कॉल्ड कैंडिडेट की, ठीक है, ऑप्शन टू कैंडिडेट की का ये काम होता है, ठीक है, ये कीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे अभी आगे भी और क्वेश्चन आएंगे, उनको अच्छे से देखना। नेक्स्ट देखो, एजीपी स्लॉट ऑन अ मदरबोर्ड प्रोवाइड्स फॉर अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द कार्ड एंड मेमोरी, एक एजीपी करके स्लॉट होता है मदरबोर्ड में जो कि एक डायरेक्ट कनेक्शन प्रोवाइड करता है कार्ड और मेमोरी के बीच में, तो आपको बताना है कि ए क्या होता है एजीपी में, ठीक है, ये इस तरीके से फुल फॉर्म्स बहुत आने वाली है एग्जाम में, ठीक है, सो ए मीन्स एक्सेलरेटेड, ऑप्शन फोर, और उसका पूरा फुल फॉर्म देख लो, एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स बोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फ्लैश मेमोरी इज एन इलेक्ट्रॉनिक नॉन वॉलेटाइल कंप्यूटर मेमोरी स्टोरेज मीडियम, फ्लैश मेमोरी जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक नॉन वॉलेटाइल, याद रखना नॉन वॉलेटाइल कंप्यूटर मेमोरी स्टोरेज मीडियम है, तो आपको बताना है इनमें से फ्लैश मेमोरी का कौन सा एग्जाम्पल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लैश मेमोरी, सो दैट इज पेन ड्राइव, ठीक है, ऑप्शन थ्री पेन ड्राइव, और इसमें ये चीज अच्छे से देख लो, इलेक्ट्रॉनिक नॉन वॉलेटाइल कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच टाइप ऑफ नेटवर्क टॉपोलॉजी ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड टू अ सिंगल हब थ्रू अ केबल, किस टाइप की टॉपोलॉजी में, नेटवर्क टॉपोलॉजी में जितने भी नोड्स होते हैं वो एक सिंगल हब से कनेक्टेड होते हैं थ्रू अ केबल, ठीक है, टॉपोलॉजी में बेस्ट क्या है ना, सबके डायग्राम देख लो तो आपको पूरा याद हो जाएगा, फिर आप लैंग्वेज आराम से समझ जाओगे, ऐसे करोगे तो नहीं आएगा, तो बेस्ट इज की सबके डायग्राम देख लो, तो पहले वी डिस्कस अबाउट मेश टॉपोलॉजी, तो इसका आंसर है स्टार टॉपोलॉजी, ठीक है, इसका देख लो डायग्राम, कि आप देख सकते हो कि थ्रू अ केबल एक सिंगल हब से ये कनेक्टेड है, ठीक है, जितने भी नोड्स हैं, राइट, यू कैन सी, सो दैट्स स्टार टॉपोलॉजी। अगला देखते हैं, व्हाट डू वी कॉल द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दैट यूजेस प्री डिफाइंड सिंबल टू आइदर द लॉजिक ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम और डेटा फ्लो इन प्रोसेसिंग स्टेप्स ऑफ अ सिस्टम, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है जो कि प्री डिफाइंड सिंबल्स को यूज करता है, जो कि बताते हैं आइदर द लॉजिक ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम, जो कि डिस्क्राइब करते हैं या तो लॉजिक किसी कंप्यूटर प्रोग्राम का या फिर डेटा फ्लो एंड प्रोसेसिंग स्टेप्स ऑफ अ सिस्टम, वो पूरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताते हैं किसी भी सिस्टम का, ठीक है, ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, तो ये याद रखना, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन प्रीडिफाइंड सिंबल को यूज करता है, सो दैट इज फ्लो चार्ट, ठीक है, वो होता है आपका ऑप्शन वन फ्लो चार्ट, ठीक है, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में डिफरेंस है, ठीक है, एल्गोरिथम अभी हमने पढ़ा था, फ्लो चार्ट में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है प्रीडिफाइंड सिंबल्स का। नेक्स्ट देखो, ओ एम आर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मेथड दैट स्कैन्स अ डॉक्यूमेंट, ओ एम आर क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक मेथड है जो कि डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है और रीड द डेटा फ्रॉम द मार्क फील्ड, और डेटा को रीड करता है मार्क फील्ड से, ठीक है, तो आपको बताना है एम क्या होता है ओ एम आर में, बेसिकली फुल फॉर्म आपको बतानी है ओ एम आर की, अगेन इजी वन, मार्क, ठीक है, एम होता है मार्क और इसका फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ठीक है, सो ऑप्शन फोर। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की सेव द ओपन डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड लाइक कंट्रोल प्लस एस,
एक तो कंट्रोल प्लस एस अगर आप करेंगे तो आप कोई भी जो डॉक्यूमेंट है एमएस वर्ड में उसको आप सेव कर सकते हैं। तो अगर आपको ये नहीं पता है तो ये भी याद रखना कि सेव करने के दो तरीके, तो कंट्रोल प्लस एस और आपको बताने और कौन सी शॉर्टकट की है जो ये काम कर सकती है। सो दैट इज शिफ्ट प्लस F12 ऑप्शन 3। सो दो हो गए सेव करने के लिए, कंट्रोल प्लस एस और दूसरा है शिफ्ट प्लस F12। ठीक है, अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एमएस पावर पॉइंट टैब होल्ड्स कमांड रिलेटेड टू द प्रेजेंस ऑफ स्लाइड्स लाइक पेज सेटअप एंड स्लाइड ओरिएंटेशन। तो कमांड होते हैं इस तरीके के जैसे पेज सेटअप या फिर स्लाइड ओरिएंटेशन टाइप के, तो उसमें एमएस पावर पॉइंट में कौन से टैब में ये कमांड होते हैं बेसिकली। ठीक है, सो दैट इज डिजाइन ऑप्शन 3 डिजाइन। ठीक है, लेट मी शो यू। ठीक है, तो ये डिजाइन हो गया कमांड। यहाँ पे आप देख सकते हो स्लाइड साइज और फॉर्मेट बैकग्राउंड ये सब, तो यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हो साइज का, स्लाइड पेज ओरिएंटेशन क्या रखना है, स्लाइड का ओरिएंटेशन क्या रखना है, वो सब आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से आप चेंज कस्टमाइज कर सकते हो। सो डिजाइन टैब में ये है, ये सारे टैब में जाके देख लेना कि किसमें क्या क्या चीज है। ठीक है, इट वोंट टेक मच टाइम, 2 घंटे दो पूरा एमएस ऑफिस अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वर्ल्ड वाइड वेब इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज पिक्चर्स साउंड एंड मल्टीमीडिया। वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो कलेक्शन है सारी इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज पिक्चर्स साउंड और मल्टीमीडिया का इंटरनेट पे, जिसको हम किसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। सो वी कैन एक्सेस थ्रू HTTP। ठीक है, ऑप्शन 4 HTTP के थ्रू हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगला देखो, इज यूज इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, इनमें से सेकेंड जनरेशन में कौन सी चीज को यूज करा गया था। ठीक है, आपको पता है कि IC हमने थर्ड में की थी, सो लेट मी टेल यू कि ऑप्शन आपका ऐसी गया, आपका फिफ्थ तो नन ऑफ दीज हो गया, तो नन ऑफ दीज भी आंसर हो सकता है। ठीक है, सो दैट इज वैक्यूम ट्यूब्स ऑप्शन 2। तो सेकेंड में हुआ था वैक्यूम ट्यूब्स और थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट्स। नेक्स्ट देखो, विच की इज प्रेस टू मूव टू द बिगिनिंग ऑफ अ लाइन ऑफ टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, जब आप एक डॉक लिखते हो तो आपको बिल्कुल डॉक्यूमेंट की बिगिनिंग पे जाना है लाइन पे, तो आप इनमें से कौन सी की को यूज करोगे। ठीक है, सो यू विल यूज होम की। ठीक है, ऑप्शन 4, आप होम की को यूज करोगे बिगिनिंग पे जाने के लिए। ठीक, नेक्स्ट देखो, विच पोर्ट्स कनेक्ट स्पेशल टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स टू साउंड कार्ड्स। कौन से पोर्ट होते हैं जो स्पेशल टाइप के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स को साउंड कार्ड से कनेक्ट करते हैं। सो दिस इज द पोर्ट इज MIDI। ठीक है, ऑप्शन 4, दिस इज द नेम ऑफ द पोर्ट जो कि कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट देखो, वॉट आर द 2 असेंशियल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंप्यूटर के 2 असेंशियल पार्ट बताओ। 2 असेंशियल पार्ट्स कौन से होते हैं कंप्यूटर के? सो यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, दीज आर द 2 असेंशियल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। हार्डवेयर आर द डिवाइसेस व्हिच यू कैन टच लाइक कीबोर्ड माउस, एंड सॉफ्टवेयर आर द थिंग्स व्हिच यू कैन नॉट टच। ठीक है, सो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। विच टाइप ऑफ मेमोरी गेट्स लॉस व्हेन यू स्विच ऑफ द कंप्यूटर। जब आप टर्न ऑफ कर देते हो तो कौन सी मेमोरी है जो लॉस्ट हो जाती है? सो दैट इज रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी 1। अब वी टॉक्ड अबाउट 2 मेमोरीज, नॉन वॉलेटाइल एंड वॉलेटाइल। ठीक है, तो रैम जो होती है वो वॉलेटाइल होती है। वॉलेटाइल का मतलब होता है कि जब हम टर्न ऑफ कर देते हैं तो मेमोरी लॉस्ट हो जाती है, और नॉन वॉलेटाइल उसके अपोजिट होता है, उसमें लॉस नहीं होता डेटा, मेमोरी मतलब लॉस नहीं होती, तो वो होती है आपकी नॉन वॉलेटाइल रोम। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। तो ये दोनों टर्म याद रखना, वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल, वॉलेटाइल रैम, नॉन वॉलेटाइल रोम। नेक्स्ट देखो, अ डिवाइस दैट इज कनेक्टेड टू द मदरबोर्ड। एक डिवाइस जो कि मदरबोर्ड से कनेक्टेड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सो दैट इज कॉल्ड एन एक्सटर्नल डिवाइस। ठीक है, ऑप्शन 1। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स एन एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि इंटायर प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? सो इट इज कॉल्ड कंपाइलर, ऑप्शन 3। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कंपाइलर और इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर भी अभी आगे आएगा, तो अभी हम कंपाइलर देखते हैं कि जो इंटायर प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। और कंपाइलर किस तरीके के एरर डिटेक्ट करता है ये हमने क्वेश्चन करा था, तो कंपाइलर डिटेक्ट करता है सिंटैक्स एरर को। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मेन पेज ऑफ अ वेबसाइट इज कॉल्ड। ये भी क्वेश्चन एक हम कर चुके हैं जो डिफरेंट फॉर्म में आए थे, और यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म में है एंड इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जो वेबसाइट का मेन पेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सो इट इज कॉल्ड होम पेज, ऑप्शन 1, होम पेज। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था, वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड द मेन पेज इज कॉल्ड द होम पेज। ठीक,
व्हाट डू वी डू टू लुक एट द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी आइटम इन द विंडो। अगर आपको विंडो में किसी भी आइटम की प्रॉपर्टीज को देखना होगा तो आप इनमें से कौन सा एक्शन करोगे, ठीक है? सो यू विल डू राइट क्लिक ऑन माउस, ऑप्शन वन। जब आप राइट क्लिक करोगे माउस में तो आपने देखा होगा एक प्रॉपर्टीज करके ऑप्शन आता है, कोई भी आप जो भी आइटम आपने सिलेक्ट करा होता है उसकी, ठीक है? सो ऑप्शन वन। नेक्स्ट देखो, टू कन्वर्ट ऑल टेक्स्ट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट टू बोल्ड विच की शुड बी यूज। ये शॉर्टकट कीज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आपको सारे टेक्स्ट को वर्ड डॉक्यूमेंट में बोल्ड में कन्वर्ट करना है तो आप इनमें से कौन सी की को यूज करेंगे? सो यू विल यूज कंट्रोल प्लस बी, ऑप्शन फाइव, कंट्रोल प्लस बी, ठीक है? मोस्ट वेब पेजेस सीन ऑन द वेब हैव द एक्सटेंशन HTML. HTML stands for, आप लोगों ने देखा होगा कि जो इतने भी काफी सारे जो वेब पेजेस हैं जो आप वेब पे देखते हैं तो उनमें एक्सटेंशन मिलता है आपको HTML, एंड यू मस्ट हैव वर्ड HTML अ लॉट। तो HTML का फुल फॉर्म बताना है क्या होता है, तो HTML इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन टू, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है? नेक्स्ट देखो, Which of the following is not an object-oriented programming language? इनमें से कौन सी object-oriented programming language नहीं है, ठीक है? तो वो है option one C. C is not an object-oriented programming language. Next देखो, Which one is used to open a document or program? अगर आपको कोई भी document या program को open करना हो तो आप इनमें से कौन सा action करोगे? Again very easy, you will use double click. ऑप्शन टू, आप डबल क्लिक करते हो, राइट? कोई भी डॉक्यूमेंट या प्रोग्राम को ओपन करने के लिए, ठीक है? सिंगल क्लिक पे नहीं होता, डबल क्लिक करते हो। सो दीज आर द थिंग विच आई टोल्ड यू ना कि 50% कंप्यूटर ऐसा है जो आपकी अवेयरनेस पे डिपेंड करता है, जो आप रेगुलरली यूज करते हो चीजें, ठीक है? बस यही है कि अगर आप अवेयर हो गए तो आप ये क्वेश्चन ईजिली कर पाओगे, और नहीं अवेयर हो गए तो पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा, ओके आई यूज टू डू दीज थिंग्स। Name the another pointing device which is an alternative to mouse. ठीक है, आपको पता है माउस क्या है? इट इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। तो आपको बताना है दूसरी पॉइंटिंग डिवाइस जो कि माउस के अल्टरनेटिव में यूज हो सकती है, ठीक है? सो द आंसर इज ऑप्शन फाइव, बोथ वन एंड टू, ट्रैक बॉल और जॉय स्टिक, ये दोनों ही पॉइंटिंग डिवाइस है जिनको हम माउस के अल्टरनेटिव में यूज कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट देखो, व्हाट इज अ पिक्सल? यू मस्ट हैव हर्ड कि इतने पिक्सल का वो है, इतने पिक्सल का इमेज है, ठीक है? तो पिक्सल होता क्या एग्जैक्टली? सो पिक्सल इज पिक्चर एलिमेंट और डॉट ऑन द स्क्रीन। पिक्चर एलिमेंट बोल सकते हो या फिर जो डॉट होता है स्क्रीन पे, दैट इज कॉल्ड पिक्सल। तो ऑप्शन वन। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स इज कॉल्ड एन इन्वर्टर? इनमें से कौन से गेट को हम इन्वर्टर बोलते हैं? सो आई टोल्ड यू अबाउट द लॉजिक गेट्स, राइट? तो कौन सा गेट है जो इन्वर्टर जिसको बोला जाता है? सो दैट इज नॉट, ऑप्शन फाइव। जो नॉट गेट होता है वो ये होता है, ठीक है? दिस इज द सिंबल ऑफ द नॉट गेट, ठीक? तो अगर आप इनपुट में जीरो दोगे तो वन हो जाएगा, और अगर वन दोगे तो जीरो हो जाएगा, इसीलिए हम इसको इन्वर्टर बोलते हैं क्योंकि वो इन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? सो नॉट गेट। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज एम इन DBMS? यू मस्ट हैव हर्ड अ लॉट अबाउट DBMS, तो आपको बेसिकली इसका फुल फॉर्म बताना है। तो एम क्या होता है DBMS में? सो एम इज मैनेजमेंट, ऑप्शन टू। DBMS का फुल फॉर्म देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है? If you wish to extend the length of the network without having the signal degrade, you would use a. अगर आपको network की length को बढ़ाना है और आप चाहते हैं कि signal का जो signal भी है वो degrade ना हो, ठीक है? तो आप क्या use करोगे? So you will use a repeater, ठीक है? Option one. So repeater से क्या होगा कि जो network की length है वो extend हो जाएगी और signal भी degrade नहीं होगा। अगला देखो, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट सर्किटरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम दैट डज द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल प्रोसेसिंग। इनमें से कौन सी इंपॉर्टेंट सर्किटरी होती है कंप्यूटर में जो कि अर्थमेटिक और लॉजिकल प्रोसेसिंग करती है? सो दैट इज ALU, ऑप्शन टू। इसको फुल फॉर्म ही यही होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो है वो उसको हम बोलते हैं ALU, ठीक है? नेक्स्ट देखो, टू डिलीट द सिलेक्टेड आइटम परमानेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन शुड बी यूज। अगर आइटम को आपको परमानेंटली डिलीट करना है अपने कंप्यूटर से तो आप कौन सा शॉर्टकट की का कॉम्बिनेशन लोगे? मैंने पहले भी अभी एक डिस्कस करा था क्वेश्चन बिल्कुल स्टार्टिंग में कि जब हम रिसाइकल बिन में आइटम जाता है डिलीट होके और फिर हमें रिसाइकल बिन पे जाके आइटम को परमानेंटली डिलीट करना होता है अपने कंप्यूटर से, राइट? तो अगर हमें उसको पहली बार में परमानेंटली डिलीट करना होता है तब कौन सा शॉर्टकट की यूज करेंगे? सो वी विल यूज शिफ्ट प्लस डिलीट, ऑप्शन थ्री। द
तब वो आइटम जो है वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, उसको हमें रिसाइकल बिन में जाके और फिर से डिलीट नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोप्रिएटली रिलेट्स विद स्टार्टिंग अप एन ऑपरेटिंग सिस्टम। जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो इसमें से कौन सा टर्म है जो उसको अप्रोप्रिएटली रिलेट करता है? सो दैट इज कॉल्ड बूटिंग। ऑप्शन 5 बूटिंग। दो टर्म और आते हैं इसमें, वार्म बूटिंग और कोल्ड बूटिंग, उससे भी रिलेटेड अभी क्वेश्चन आ गया है, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिप्लेस ऑप्शन इज अवेलेबल इन। रिप्लेस ऑप्शन जो है वो कहाँ पे अवेलेबल होता है, यहाँ पे बताओ इनमें से कौन सी जगह पे रिप्लेस ऑप्शन आपको मिलता है? सो इट इज अवेलेबल इन एडिट मेन्यू, ऑप्शन 1। एडिट में आपको रिप्लेस का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तभी मैंने कहा कि वो जो टैब्स है उनको देख लेना अच्छे से कि किसमें क्या ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज यूज टू कम्प्यूट डायनेमिकली द रिजल्ट फ्रॉम एक्सेल डेटा। जो एक्सेल में डेटा होता है वहां से अगर हमें रिजल्ट को डायनेमिकली कम्प्यूट करना होता है तो हम इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक यूज करते हैं? सो वी यूज फॉर्मूला एंड फंक्शन, ऑप्शन 5, फॉर्मूला एंड फंक्शन। नेक्स्ट देखो, द की F12 ओपन्स अ की। F12 जब हम प्रेस करेंगे फंक्शन की F12 तो वो क्या चीज ओपन करेगी? सो इट विल ओपन सेव एज डायलॉग बॉक्स। ठीक है, ऑप्शन 1, सेव एज डायलॉग बॉक्स। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्ड एज अ ओवरऑल डिजाइन कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरकनेक्शन ऑफ द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। इनमें से जो कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं उनकी ओवरऑल डिजाइन कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन और इंटरकनेक्शन को क्या बोलते हैं? पूरे उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ऑप्शन 2, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, यू कैन सी दिस इज कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है, अगला देखते हैं, इफ इंटरनेट सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय ट्रांसमिटिंग डेटा ओवर द वायर्स ऑफ टेलीफोन नेटवर्क व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड। ठीक है, अगर इंटरनेट सर्विसेज जो है उनको हम प्रोवाइड करें डेटा को ट्रांसमिट करके ओवर द वायर्स ऑफ टेलीफोन नेटवर्क, टेलीफोन नेटवर्क के जो वायर्स होते हैं उन पे डेटा को ट्रांसमिट करके अगर हम प्रोवाइड करें सर्विस को, इंटरनेट सर्विस को, तो हम इनमें से क्या चीज को यूज करेंगे? ठीक है, सो वी विल यूज DSL व्हिच इज डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ऑप्शन 2। ठीक है, ये फुल फॉर्म भी आ सकती है DSL, तो याद रखना डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अगला देखो, वेयर डज इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन ऑफ डेटा टेक्स प्लेस इन OSI मॉडल। हम लोगों ने पढ़ा था कि OSI में टोटल 7 लेयर्स होती हैं, तो आपको बताना है इनमें से किस लेयर में इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन ऑफ डेटा होता है। ठीक है, डेटा का इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, सो इट टुक्स प्लेस इन प्रेजेंटेशन लेयर, ऑप्शन 2। इसीलिए मैंने बोला कि हर लेयर के बारे में एक एक लाइन जरूर पढ़ लेना। ठीक है, तो आपको बेसिक पता लग जाएगा एंड देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक, व्हाट की लिंक्स रिकॉर्ड फ्रॉम वन डेटाबेस टेबल टू अ रिकॉर्ड और रिकॉर्ड्स इन अनदर डेटा टेबल। कौन सी की है जो की रिकॉर्ड करती है एक डेटाबेस टेबल से टू अ रिकॉर्ड या फिर रिकॉर्ड्स इन अनदर डेटाबेस टेबल। ठीक है, दूसरे डेटाबेस टेबल में, सो दैट इज फॉरेन की, ऑप्शन 3, फॉरेन की। ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर अगर आप थोड़ा दिमाग लगा तो आपको समझ में आ जाएगा, और अगर आप ढंग से वीडियो देख रहे हो तो आप डेफिनेटली आंसर कर पाओगे। वो कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम बताना है जो कि ट्रांसलेट करता है एक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को 8 के टाइम में मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 5, इंटरप्रेटर। मैंने जब कंपाइलर बताया था तभी बताया था, तो कंपाइलर इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है कि कंपाइलर एक पूरे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है और इंटरप्रेटर एक इंस्ट्रक्शन को एक ही टाइम में मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द टर्म्स। अगला देखो, विच बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार अलाउज यू टू कैंसिल योर रीसेंट कमांड और एक्टिविटीज। इनमें से क्या चीज है जो कि क्विक एक्सेस टूल बार पे अलाउ करती है कि आप अपनी रीसेंट एक्टिविटी या कमांड को कैंसिल कर सकते हैं? ठीक है, आपने कुछ गलती से दे दिया एंड यू वॉन्ट टू कैंसिल दैट, तो आप कौन सा बटन प्रेस करेंगे? सो दैट इज अनडू। ठीक है, आई टोल्ड यू अनडू क्या था, कंट्रोल प्लस जेड। अगर आपको इसका शॉर्टकट की करना है तो इट इज कंट्रोल प्लस जेड, और हमने बताया था कि रीडो जो है वो उसका बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, द अपोजिट ऑफ अनडू, तो इसमें हम होता है कंट्रोल प्लस वाई, तो ये क्वेश्चन भी आया था, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ व्हाट इन एमएस एक्सेल। ठीक है, एमएस एक्सेल में वर्कबुक किस चीज का कलेक्शन है? बहुत ईजी क्वेश्चन है, वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट, ऑप्शन 5। अगला देखो,
Which PowerPoint view display each slide of the presentation as a thumbnail and is useful for rearranging slide? इनमें से कौन सा PowerPoint में view PowerPoint view है जो कि display करता है हर slide को presentation में thumbnail की तरह, ठीक है? And is useful for rearranging a slide. और फिर क्या कर सकते हो कि आप slide को easily rearrange कर सकते हो if you want to, ठीक है? So that is called slide sorter. Option one, slide sorter. Sorter, not shorter, sorry. Slide sorter, ठीक है? नेक्स्ट देखो, व्हाट इज एसएमपीएस मींस, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएमपीएस, आपको सिर्फ ये बताना है. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन टू, स्विच मोड पावर सप्लाई. ठीक है, स्विच मोड पावर सप्लाई. नेक्स्ट देखो, द सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू क्रिएट टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स इज रेफर्ड टू एज, उस सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं जो कि टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करता है, तो उसको हम बोलते हैं वर्ड प्रोसेसर. ऑप्शन फाइव. ठीक है, नेक्स्ट देखो, एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू एन इंटरनेट मस्ट हैव अ डिस्टिंक्ट, जितने भी कंप्यूटर जो इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं उनका एक यूनिक क्या होना चाहिए, एक डिस्टिंक्ट क्या होना चाहिए. सो दे ऑल मस्ट हैव अ डिस्टिंक्ट आईपी एड्रेस. ऑप्शन थ्री. ठीक है, आईपी इज इंटरनेट प्रोटोकॉल. ठीक, नेक्स्ट देखो, कंप्यूटर माउस इज ऑल्सो नोन एज, कंप्यूटर माउस को हम क्या बोलते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन, अभी जस्ट वी डिस्कस. सो इट इज ऑल्सो नोन एज पॉइंटिंग डिवाइस. ठीक है, ऑप्शन वन. नेक्स्ट देखो, व्हाट एक्शन इज परफॉर्म बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस ई इन एमएस वर्ड, जब आप एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस ई को एक साथ प्रेस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, क्या होगा, कौन सा एक्शन परफॉर्म होगा. सो इट विल बी अलाइन सेंटर. ठीक है, ऑप्शन फोर. तो कंट्रोल प्लस ई, अलाइन सेंटर. अगला देखो, व्हाट इज लाइनक्स, लाइनक्स क्या होता है, ये याद रखना कि कौन से प्रोग्राम होते हैं, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है या वॉट एवर. ठीक है, तो लाइनक्स क्या है, तो लाइनक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, याद रखना. काफी सारे लोग समझते हैं कि लाइनक्स एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो ये गलत कर देते क्वेश्चन. सो इट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, विच की इज यूज टू डिलीट वन कैरेक्टर एट अ टाइम टू अ लेफ्ट, कौन सी की है जिसको हम यूज करते हैं एक कैरेक्टर को एक टाइम पे डिलीट करने में टू द लेफ्ट, याद रखना. ठीक है, बहुत ईजी है, दिमाग यूज करो. सो द आंसर इज बैक स्पेस. तो आपने देखा है जब भी आप जैसे बैक स्पेस करोगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना नाम लिखा लाइक निमिषा, ठीक है, ठीक, एंड आई रोट बाय मिस्टेक निमिषास करके मैंने लिख दिया एंड आई वांट टू डिलीट दिस, तो मैं बैक स्पेस जब दबाऊंगी तो वो लेफ्ट की साइड से वो डिलीट करना स्टार्ट कर देगा. ठीक है, सो बैक स्पेस. नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन एमएस पावरपॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट में मैक्सिमम जूम परसेंटेज कितना होता है, सो दैट इज 500%. ठीक है, ऑप्शन फोर, 500%. नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेब ब्राउजर, ठीक है, इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है, ठीक, नेटस्केप, क्रोम, फायरफॉक्स, सो दीज ऑल थ्री आर वेब ब्राउजर्स. ठीक है, सो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर, नेटस्केप भी एक वेब ब्राउजर होता है. ठीक है, सो ऑल द थ्री. अगला देखो, अ कंप्यूटर लैंग्वेज दैट कंसिस्ट ऑफ बाइनरी डिजिट्स इज कॉल्ड, उस कंप्यूटर लैंग्वेज को क्या बोलेंगे जिसमें बाइनरी डिजिट्स होती है, बाइनरी डिजिट्स यानी कि जीरो एंड वन. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज. ऑप्शन टू, मशीन लैंग्वेज जिसको हम फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज करते थे. ठीक है, सो ऑप्शन टू. टू और मोर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन फॉर्म आर, दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर जब एक के साथ कनेक्टेड हैं इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए तो हम उसको क्या बोलते हैं, सो दे फॉर्म अ नेटवर्क. ठीक है, सो नेटवर्क क्या होता है, जब दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए एक सबसे एक दूसरे से कनेक्टेड हो. ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, ठीक है, इनमें से कौन सा इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, विच इज ISP. ठीक है, सो दैट इज TCP/IP. ऑप्शन फाइव, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP होता है और IP होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, सो ऑप्शन फाइव. विच ऑफ द फॉलोइंग की आर यूज टू ओपन फाइल मेन्यू ऑफ करंट प्रोग्राम, इनमें से कौन सी की है जो कि ओपन करती है फाइल मेन्यू के ऑफ करंट प्रोग्राम, करंट प्रोग्राम में जो भी फाइल मेन्यू होता है उसको ओपन करने में हेल्प करती है, सो दैट इज Alt+F. ठीक है, ऑप्शन थ्री. इन सेकेंड जनरेशन विच टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी वॉज यूज टू स्टोर डेटा, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कौन सी प्राइमरी मेमोरी थी, कुछ टाइप की प्राइमरी मेमोरी को यूज करते थे डेटा को स्टोर करने के लिए, सो इट वॉज मैग्नेटिक कोर. ठीक है, ऑप्शन थ्री, मैग्नेटिक कोर.
अगला देखो, विच इज ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज फॉर अनसोलिसिटेड ईमेल। अनसोलिसिटेड ईमेल के लिए हमने यहाँ पे कौन सा टर्म यूज करा है, सो दैट इज स्पैम। ठीक है, आपने देखा होगा कि स्पैम करके फोल्डर होता है। ठीक है, ऑप्शन 4। ट्रैश में क्या होता है कि जब आप कोई मेल को डिलीट करते हो अपने फोल्डर से तो वो ट्रैश में चला जाता है। ठीक है, और ट्रैश से जब आप परमानेंटली डिलीट करने के लिए आपको ट्रैश से डिलीट करना पड़ता है। इफ यू वॉन्ट टू इंसर्ट अ चार्ट टू योर स्लाइड देन गो टू, अगर आपको अपनी स्लाइड में चार्ट इंसर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, देन यू जस्ट हैव टू सिंपली गो टू इंसर्ट एंड देन चार्ट। ठीक है, सो ऑप्शन 1। इन अ स्प्रेडशीट व्हाट इज अ नंबर यू विल यूज इन अ कैलकुलेशन, उसको क्या बोलते हैं नंबर को जो कि आप कैलकुलेशन में यूज करते हो स्प्रेडशीट में, एमएस एक्सेल में, सो दैट इज अ वैल्यू। ठीक है, अ वैल्यू इज अ नंबर यू विल यूज इन अ कैलकुलेशन। ठीक है, ऑप्शन 4। इन विच मेन्यू कंटेन्स द ऑप्शंस टू ऐड सिंबल्स इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। वर्ड डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड में अगर आपको सिंबल ऐड करने हैं तो आप कौन सा मेन्यू पे जाओगे, सो यू विल गो टू इंसर्ट। ठीक है, ऑप्शन 2, इंसर्ट। नेक्स्ट देखो, अ वर्ड इन अ वेब पेज दैट व्हेन क्लिक्ड ओपन्स अनदर डॉक्यूमेंट। आपने देखो होगा कि कभी कोई आप वेब पेज देखो तो एक वर्ड आपको मिलता है कुछ। ठीक है, तो जब आप उस वर्ड पे क्लिक करोगे तो वो आपको दूसरा कोई डॉक्यूमेंट खोल के दे देता है, आपको कहीं और रीडायरेक्ट कर देता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं हाइपरलिंक। ठीक है, ऑप्शन 3। ठीक है, अगला देखो, Which of the following refers to the forging of the return address on an email so that the email message appears to come from someone other than the actual sender? इनमें से किस चीज को बोलते हैं जिसमें रिटर्न एड्रेस जो होता है ईमेल पे वो फॉर्ज हो जाता है, टू द फॉर्जिंग ऑफ द रिटर्न एड्रेस ऑन एन ईमेल। उससे क्या होता है कि जो ईमेल है विच अपीयर्स टू कम फ्रॉम समवन अदर देन द एक्चुअल सेंडर, जो एक्चुअल सेंडर है उसका नाम नहीं आता, इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम समवन अदर। ठीक है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, तो उस चीज को हम बोलते हैं स्पूफिंग। ठीक है, ऑप्शन 1, ये भी टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्पूफिंग। व्हाट टिपिकली कनेक्ट्स पर्सनल कंप्यूटर विद इन अ वेरी लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया यूजुअली विद इन अ सिंगल बिल्डिंग। वी ऑलरेडी हैड डिस्कस, मैंने बताया था आपको इस बारे में कि एक पर्सनल कंप्यूटर को वो कनेक्ट करता है बहुत ही लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया में, आप यूजुअली एक सिंगल बिल्डिंग बोल सकते हैं, यूजुअली विद इन अ सिंगल बिल्डिंग, सो दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क 1। ठीक है, एक मैंने स्कूल लेबोरेटरी का एग्जाम्पल दिया था इसमें, राइट, सो ऑप्शन 1, लोकल एरिया नेटवर्क। रूटिंग इज डन ऑन विच लेयर, रूटिंग जो है वो किस लेयर पे की जाती है, सो इट इज डन ऑन नेटवर्क लेयर। ठीक है, ऑप्शन 2, 7 layers ऑफ OSI मॉडल, सो अमंग देम नेटवर्क लेयर। Which among the following device performs modulation and demodulation? Very easy. इनमें से कौन सी डिवाइस है जो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन परफॉर्म करती है, सो दैट इज मॉडेम, ऑप्शन 1। इसका फुल फॉर्म ही है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, सो 1। Which of the following terms is associated with internet? इनमें से कौन सा टर्म है जो कि इंटरनेट से एसोसिएटेड है, सो इट इज बुकमार्क। ठीक है, ऑप्शन 3, बुकमार्क। ठीक, यू कैन बुक मार्क अ पेज ऑन द इंटरनेट, जो भी आपको समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि द पेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको हम बुक मार्क बोलते हैं। हाउ कैन यू एक्सेस द फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स इन एमएस वर्ड? फॉन्ट साइज टूल को आप कैसे एक्सेस करते हो सकते हो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में एमएस वर्ड में, सो यू कैन एक्सेस बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्रेस शिफ्ट प्लस पी। ठीक है, ऑप्शन 4। नेटवर्किंग सच एज लैन मैन स्टार्टेड फ्रॉम विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? नेटवर्किंग जो है जैसे कि लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वो किस जनरेशन से स्टार्ट हुई थी कंप्यूटर की, सो दे स्टार्टेड फ्रॉम 4th generation ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, ऑप्शन 4। ठीक, नेक्स्ट देखो, HTML tags are the hidden keywords within a web page that define how the browser must format and display the content. HTML tag जो होते हैं ये एक hidden keyword होते हैं web page के अंदर, जो कि define करते हैं कि कैसे browser को format और display करना चाहिए content को. So which type of bracket makes an HTML tag? तो किस type के bracket जो है वो HTML tag बनाते हैं? So these are angular brackets. ठीक है, याद रखना, HTML tag जो भी आते हैं वो आपके angular brackets में आते हैं। ठीक है, Which of the following is a term related with scanner? इनमें से scanner से कौन सा term related है? So that is twain. ठीक है, TWAIN. This is related to scanner. Option 2. A nibble refers to, nibble क्या होता है? So nibble is a collection of 4 bits. ठीक है, byte is a collection of 8 bits. याद रखना, nibble is a collection of 4 bits. ठीक है,
व्हाट इज द नंबर ऑफ फंक्शन कीज ऑन अ कीबोर्ड? कीबोर्ड में टोटल कितनी फंक्शन कीज होती है? सो कीबोर्ड में टोटल 12 फंक्शन कीज होती है, 12, ठीक है, F1 से लेके F12 तक, ठीक है, तो टोटल इतनी फंक्शन कीज होती है। आप देख सकते हैं बिल्कुल टॉप ऑफ द कीबोर्ड पे आपको ये फंक्शन कीज दिखेंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कोडेड एंट्रीज विच आर यूज टू गेन एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड, वेरी इजी क्वेश्चन। कोडेड एंट्रीज होती हैं जो कि आपको कंप्यूटर सिस्टम में एक्सेस आप गेन कर सकते हैं जिसकी हेल्प से, उसको हम क्या बोलते हैं? सो दैट इज कॉल्ड पासवर्ड, ठीक है, ऑप्शन टू पासवर्ड, कोडेड होते हैं पासवर्ड, राइट, सो पासवर्ड। सो नेक्स्ट इज, वॉट इज एम्बेडेड सिस्टम? एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है? So the correct answer is option 4, the computer and software system that has dedicated function within a larger mechanical or electrical system. एक software या computer system जिसमें का एक dedicated function होता है किसी एक larger mechanical या electrical system के अंदर, ठीक है, so that is called embedded system, ठीक है। अगर मैं diagram से बताऊँ तो normal ऐसे समझ जाओ कि this is a big circle, इसके अंदर एक छोटा circle embedded है, ठीक है। Reusable optical storage will typically have the acronym. Reusable optical storage का आपको acronym बताना है क्या होगा, ठीक है, short form क्या होती है, so that is RW, ठीक है, option 4 RW. What was the first electronic computer in the world? पहला electronic computer बताना है आपको world में कौन सा था, ठीक है, the first electronic computer in the world, it was ENIAC, option 1 ENIAC, ठीक है। What do you call the programs that are used to find out possible faults and their causes? उन प्रोग्राम को हम क्या नाम देंगे जो कि possible fault और उनके causes को find out करने में help करते हैं, ठीक है? So उसको हम बोलते हैं boot diskettes, ठीक है? Option 4, boot diskettes. अगला देखो, which is the full form of ENIAC, ठीक है? अभी हमने पढ़ा था कि पहला electronic computer, ठीक है? तो इसका फुल फॉर्म आपको बताना है, सो इसे यू नो पहला वर्ल्ड का इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, सो इलेक्ट्रॉनिक, सो फॉर ऑप्शन 1 इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। अगला देखते हैं, नॉन फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर आर रेफर्ड टू एज, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू अबाउट दिस थिंग, अगर आपको याद हो नॉन फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या बोलते हैं कंप्यूटर के, तो उनको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर, फिजिकल कंपोनेंट्स को हम हार्डवेयर बोलते हैं, व्हिच वी कैन टच द कंपोनेंट्स, उनको हार्डवेयर, एंड नॉन फिजिकल को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर, सो ऑप्शन 2। Which of the following techniques can be used to store a large number of files in a small amount of storage space? आपके पास स्टोरेज स्पेस कम है और आपको ज्यादा फाइल स्टोर करनी है, तो हम कौन सी टेक्निक यूज करेंगे? सो वी विल यूज फाइल कंप्रेशन, तो फाइल कंप्रेस करके उसका साइज रिड्यूस हो जाएगा और हम ज्यादा फाइल्स स्टोर कर सकते हैं स्मॉल स्पेस में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इज अ एग्जाम्पल ऑफ टॉगल की, ये एग्जाम्पल है टॉगल की का, ठीक है, तो वो होती है आपकी कैप्स लॉक, ठीक। टॉगल की में आपका एक स्क्रॉल लॉक भी आ जाता है की, तो याद रखना एक होता है नम लॉक टॉगल की में, देन यू हैव स्क्रॉल लॉक, ठीक है, ये तीन टॉगल कीज होती हैं आपकी, ठीक है, और फिर आपकी तीसरी होगी कैप्स लॉक, ठीक। व्हाट इज हाइपरलिंक? हाइपरलिंक क्या होता है, ठीक है, अभी बताया था हाइपरलिंक के बारे में, जल्दी से बताओ क्या होता है। सो ऑप्शन 1, इट इज अ टेक्स्ट और इमेज दैट यू कैन क्लिक ऑन टू जंप टू अ न्यू डॉक्यूमेंट और पेज, ठीक है, मैंने बताया था ना कि एक टेक्स्ट या फिर कोई इमेज भी हो सकती है जिसपे आप क्लिक करोगे जब, अगर हाइपरलिंक लगा होगा उसमें, तो आप दूसरे डॉक्यूमेंट या पेज पे जंप कर जाओगे, ठीक है, आप वहां पे रीडायरेक्ट हो जाओगे, ठीक, सो दैट इज कॉल्ड हाइपरलिंक। Which of the following office programs offers the animation feature? Again an easy one. इनमें से कौन सा MS Office का प्रोग्राम है जो कि एनिमेशन फीचर हमें प्रोवाइड कराता है? So that is MS PowerPoint, Microsoft PowerPoint, option 3. ठीक है, तो PowerPoint को, स्लाइड्स को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसमें एक फीचर होता है एनिमेशन का। नेक्स्ट देखो, इन MS Word what is a predefined decorative text that you can add to a document? Again very easy one. MS Word में एक predefined decorative text होता है जिसको आप document में add कर सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? So that is called word art, ठीक है? Option 4. तो word art में क्या होता है? आपको बहुत सारे बहुत different type के decorative text दिखाई देते हैं, ठीक है? Which of the following places the common data elements in order from smallest to largest? आपको बताने common data elements order जो दिया है वो smallest का largest है, मतलब सबसे पहले सबसे छोटा आएगा, then सबसे last में सबसे बड़ा, so that is option 3.
तो ये कॉमन है कैरेक्टर, फिर देन फील्ड, देन रिकॉर्ड, देन फाइल एंड देन फाइनली डेटाबेस। सो ऑप्शन 3, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा रिपीटेडली एग्जाम में पूछा जाता है। अगला देखो, व्हाट डज डी रैम स्टैंड फॉर। डी रैम जो है इट इज अ टाइप ऑफ रैम, ठीक है। तो मैंने आपको एक वो दे दिया है हिंट कि इट इज अ टाइप ऑफ रैम। सो रैम तो सेम रहेगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब डी क्या है इसमें, सो डी इज डायनामिक। ऑप्शन 2, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक होता है आपका एस रैम, ठीक है, वो होता है आपका स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग की इज अ मिनिमल सुपर की, इनमें से कौन सी की है जो कि मिनिमल सुपर की बोली जाती है। सो दैट इज अ कैंडिडेट की, ठीक है। ऑप्शन 3, कैंडिडेट की। The abbreviation ISP stands for, ISP का आपको abbreviation बताना है और ये term आ चुका है पहले, ठीक है, अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया हो तो ये term आ चुका है। So that is internet service provider, ठीक है, ISP is internet service provider, option 4. A barcode is a code that represents data with bars of varying widths or heights. आपने barcode देखा होगा, right? You must have seen barcode. तो वो क्या होता है, कौन सा कोड होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है डेटा को बार से ऑफ वेरिंग विड्थ एंड और हाइट। तो बारकोड इज एन ऑप्टिकल कोड, याद रखना ऑप्शन 1, इट इज एन ऑप्टिकल कोड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीडिया ऑफ डेटा ट्रांसफर, डेटा को ट्रांसफर करने के लिए फास्टेस्ट मीडिया बताना है आपको कौन सा है, फास्टेस्ट मीडियम कौन सा है इनमें से। सो दैट इज फाइबर ऑप्टिक, ऑप्शन 4। तो फाइबर ऑप्टिक जो है वो फास्टेस्ट मीडियम है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। हाउ लॉन्ग इज एन IPv6 एड्रेस, IPv6 एड्रेस जो है वो कितना लॉन्ग होता है आपको बताना है, कितने बिट्स या कितने बाइट्स का होता है। सो इट इज 128 बिट्स लॉन्ग, ठीक है, ऑप्शन 4। व्हाट इज इंट्रानेट, इंट्रानेट क्या होता है, वी हैड लर्न द टर्म, वी हैड नोन द टर्म दैट व्हाट इज इंटरनेट, नाउ व्हाट इज इंट्रानेट। सो इंट्रानेट इज अ नेटवर्क कनेक्टिंग ऑल कंप्यूटर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड यूजिंग द इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट क्या है, ये एक नेटवर्क है जो कंप्यूटर को कनेक्ट करता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड यूजिंग द इंटरनेट प्रोटोकॉल, एंड इट यूजेस अ इंटरनेट प्रोटोकॉल, सो दैट इज कॉल्ड इंटरनेट, याद रखना क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज एन ईमेल, ईमेल क्या होता है, अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। सो द आंसर इज ऑप्शन 3, ट्रांसमिशन ऑफ फाइल्स एंड मैसेजेस थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क, जिसमें आप फाइल और मैसेजेस को ट्रांसफर करते हो कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू, सो दैट इज कॉल्ड एन ईमेल, राइट, अ सिंपल आंसर। व्हाट इज कॉल्ड अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट इनेबल्स अवर कंप्यूटर्स हार्डवेयर डिवाइसेस एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू वर्क टुगेदर, वो सेट ऑफ प्रोग्राम का नाम बताओ जो कि इनेबल करता है आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर डिवाइसेस और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक साथ काम करने के लिए, जिसमें हार्डवेयर डिवाइसेस और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों एक साथ काम करते हैं, तो उस सेट ऑफ प्रोग्राम का नाम क्या है, सो दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट देखो, विच आउटपुट डिवाइस ट्रांसफर्स प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन इनटू अ प्रिंटेड पेज, अगेन वेरी इजी, इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस है जो कि प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन को प्रिंटेड पेज में ट्रांसफर करती है, सो दैट इज प्रिंटर, राइट, ऑप्शन 2, जिसमें आप प्रोसेस इन्फॉर्मेशन को आपको प्रिंटेड पेज पे निकल के आ जाता है, सो अ प्रिंटर, ठीक। Identify the volatile storage device among the following devices. Again, we have discussed this question. Volatile storage device batani aapko in devices mein se. So that is RAM, random access memory. Maine bataya tha na, volatile and non-volatile. Volatile RAM, non-volatile ROM. Nagla dekho, what is the property of the entire relation? Kya cheez define karti hai ek property entire relation ki? Rather than of the individual tuples in which each tuple is unique, ना कि वो एक individual tuple की property define करती है जिसमें हर tuple unique होता है, ठीक है, तो बताओ वो क्या होता है, so that is called a key, option 2, a key is a property of the entire relation rather than of the individual tuples in which each tuple is unique, ठीक है, so key. What is the blinking symbol on the screen that shows where the next character will appear? वो blinking symbol कौन सा आता है screen पर जो कि show करता है कि कहाँ पे next character appear होगा, ठीक है? So that is called cursor, ठीक है? Option 1, cursor. Which of the following computer exhibits the feature of both analog and digital computer? इनमें से कौन सा computer है जिसमें दोनों analog और digital computer के feature होते हैं, ठीक है? तो what is the name of that computer? So that is called hybrid, option 5. Hybrid में analog और digital दोनों के features होते हैं, ठीक है? Next देखो,
विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेज द वर्क डन बाय अ कंप्यूटर? वेरी इजी, कंप्यूटर जो भी काम करता है तो वो जो भी चीज डिस्प्ले होती है वो कहाँ पे डिस्प्ले होती है, ठीक है? क्या चीज डिस्प्ले करता है, मतलब कौन सी चीज है जो डिस्प्ले करती है? सो दैट इज मॉनिटर. वेरी इजी क्वेश्चन, ऑप्शन थ्री मॉनिटर. हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग? फादर कौन बोला जाता है मॉडर्न कंप्यूटिंग के? हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर? बहुत इजी क्वेश्चन है, जिसने कंप्यूटर पढ़ा होगा उसने बहुत ज्यादा इनका नाम सुना होगा. ही इज चार्ल्स बेबेज, ठीक है? ऑप्शन फोर. Which of the following, which among the following is the smallest unit in an image in a computer screen? जो smallest unit होती है image की computer screen में, उसको हम क्या बोलते हैं? Again an easy one, it is called pixel. ठीक है, option two, pixel. Microsoft Word is a word processor developed by Microsoft. Microsoft Word एक word processor है जो कि Microsoft ने develop करा है. So in MS Word, spelling check is a feature available in which tab? तो spelling check जो feature है वो किस tab में available होता है आपको बताना है MS Word में. So it is available in review tab. ठीक है, option 4, review. In MS Word document, how can spelling and grammar errors be detected? MS Word document में spelling और grammar errors हैं, उनको आप कैसे detect कर सकते हो? So you can easily detect by pressing F7. सिर्फ आप function की F7 press कर दो and then you can detect spelling and grammar error जो भी आपके document में है. Next देखो, a commonly used graphic format for the web is very very easy question. एक commonly used graphic format क्या है web के लिए? So that is GIF, GIF. ठीक है, GIF. तो ये आपने बहुत यूज करा होगा, आप लोगों ने व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम, बहुत जगह यूज करा होगा इसको, राइट? विच अमंग द फॉलोइंग कैरी सिग्नल्स दैट कंट्रोल द एक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर? इनमें से कौन सी चीज है जो कि सिग्नल को कैरी करती है, जो कि कंट्रोल करते हैं एक्शंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के एक्शंस को कंट्रोल करते हैं, तो वो कौन सी चीज है? सो इट इज कंट्रोल बस, ऑप्शन वन, कंट्रोल बस. Which among the following carries signals that control the actions of a computer? इनमें से कौन सी चीज है जो कि सिग्नल को कैरी करती है, जो कि कंट्रोल करते हैं actions of computer, कंप्यूटर के actions को कंट्रोल करते हैं, तो वो कौन सी चीज है? So it is control bus. Option one, control bus. Which of the following functions is not performed by servers? इनमें से कौन सा function है जो कि server नहीं perform करता? So that is word processing. ठीक है, ऑप्शन फोर, वर्ड प्रोसेसिंग. बाकी प्रोसेसिंग, वेबसाइट, डेटाबेस शेयरिंग, स्टोरेज, ईमेल प्रोसेसिंग, ये सारे फंक्शन है जो सर्वर परफॉर्म करता है अदर देन वर्ड प्रोसेसिंग, सॉरी नॉट वर्ड प्रोसेसिंग. ठीक है, अगला देखो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VOIP? VOIP का फुल फॉर्म बताओ क्या होगा? सो VOIP का फुल फॉर्म है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल. ठीक है, ऑप्शन टू, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल. नेक्स्ट देखो, हार्ड ड्राइव इज यूज टू स्टोर. हार्ड ड्राइव में हम क्या चीज स्टोर करते हैं, मतलब हार्ड ड्राइव किस तरीके का डेटा को स्टोर करने में हेल्प करता है? सो इट स्टोर्स द परमानेंट डेटा. जो डेटा परमानेंट होता है उसको स्टोर करता है हार्ड ड्राइव. ठीक है, ऑप्शन थ्री. सो दिस इज ऑल अबाउट योर 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर अवेयरनेस क्वेश्चन. तो ये बहुत ज्यादा हमारे क्विक क्विक सेशन था, बिकॉज देयर वाज नथिंग सो मच जो मैं आपको यहाँ पे बताऊं, बिकॉज वाज नॉट अ थ्योरेटिकल सेशन. तो गाइज डोंट वरी, ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और अभी फ्यूचर में हम आपके लिए और भी MCQ सेशन लाएंगे. सो यू विल गेट मोर नंबर ऑफ कंप्यूटर क्वेश्चन, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन ना बचे जो आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है. ठीक है, सो डू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू दिस बेल आइकन. आपके पास एक कंप्यूटर बोर्ड का भी लिंक पड़ा हुआ है, तो वो बोर्ड को अगर आप वर्ड बाय वर्ड पढ़ लेंगे, यू कैन इजीली आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन. तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के एकदम टॉप पे डाल दूंगी. सो फ्रॉम देयर यू कैन डाउनलोड कंप्यूटर बोर्ड. ओके.